इवनिंग एवरीवन। मयूर थोड़ा स्पीकर का प्रॉब्लम आ रहा है, थिंक बोलना तो गुड आफ्टरनून। फिर से बोलूं गुड इवनिंग? सुनाई दिया कुछ स्पीकर प्रॉब्लम? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ये वाला लाइट बंद कर दे। हाँ ठीक है, फिर से आवाज आई ना? और फिर अरे हो रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम है ना? हाँ कुछ स्पीकर का प्रॉब्लम है। ऑल राइट, चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप ही बोल दो। नहीं तू आ जा। स्पीकर का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है। डेमो तो डेमो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हेलो। हाँ अभी ठीक है, हर किसी को डेमो से ही समझ में आता है, डेमो के बिना नहीं आता। हाँ ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन प्रॉपरली। गाइस आज ना मैं लिस्ट बना के आया हूं कि मुझे आपको कौन सी चीजें बतानी है। मैं पहले उन चीजों के बारे में पहले बता देता हूं कि मुझे आज क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मुझे आपके साथ बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट डिस्कस करना है। रटवाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, बड़ा सारा चैप्टर है, तो वो उस टाइम पे तो हम रट ही लेंगे। आज जो हम बैलेंस शीट P&L का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, वो उस बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम आते हैं उनका मतलब क्या क्या होता है, उस रिस्पेक्ट में बातें करेंगे। ठीक है, तो पहली बात आप मुझे, मैं आपको आज समझाऊंगा बैलेंस शीट के अंदर और P&L के अंदर के जो आइटम्स आते हैं उनकी बातें। दूसरा, मैं आपसे बात करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट जो तुम बनाते थे 11th क्लास 12th क्लास में, फिर फाउंडेशन में B.com में जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का कुछ फंडा रहता है, और उस क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे वाले कंपनीज वाले होते हैं उसमें कैसे दिखाते हैं, उसमें थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं, वो बातें करेंगे। फिर तीसरी बात करेंगे कि सर रिजर्व्स में और प्रोविजंस में क्या अंतर है, रिजर्व्स वर्सेस प्रोविजन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि कई बार हम इस टर्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कभी कभार हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कभी कभार हम बोलते हैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हाँ, तो इन दोनों में अंतर क्या है, रिजर्व वर्ड कब यूज करते हैं, रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, ये कुछ अपन बातें करेंगे। और अगर लास्ट में टाइम मिला तो मैं आपको पेपर का पैटर्न बताने वाला हूं आज, जो पेपर का एक्सपेक्टेड पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, कि हमारा पेपर कैसे बनेगा। मतलब MCQ तो पता है हम सबको, बट जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा उसका पैटर्न कैसे होगा, हम उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अगर समय मिला तो, नहीं तो अगले दिन आके करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर बैलेंस शीट के आइटम्स। डोंट वरी, कितने बच्चों के पास नोट्स नहीं है? श्री अपन ने नोट्स बुलवाए रखे, तेरे को क्या लगता है जो ये हाथ ऊपर दिख रहे हैं, तेरे को हाथ ऊपर करो ना श्री, मिले हैं? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि झूठ बोल रहे हैं कि सच, इतने वापस से मिल सकते हैं कि नहीं, एक बार चेक करवा ले। कितने बच्चों का आज फर्स्ट सेशन है अकाउंट्स का, ये वाला फर्स्ट सेशन है? अच्छा, आ गए तुम दो दिन डेमो लेके कहीं और से। कहीं दो दिन बाद कहीं और जाओगे, दो दिन कहीं से आए, दो दिन कहीं और जाओगे, फिर उसके बाद 10-10 क्लासेस हो जाएंगी, फिर आप फैकल्टी के पास जाओगे, फिर फैकल्टी को बोलोगे सर शुरू के लेक्चर हमारे बिगड़ गए, सर हमारा ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भले मेरे पास मत आओ, किसी के पास भी जाओ, सभी लोग भले लोग हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास जाओ, पर अपना करियर बर्बाद मत करो। डेमो 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 के चक्कर में अपने 4-5 दिन बर्बाद मत करो।
वैसे भी बैकलॉग 30% है, वो 30% बैकलॉग काम आएगा तुम्हारे बीमारियों के टाइम पर, तुम्हारे बीकॉम पे टाइम पर। ये अगर बैकलॉग इन स्टार्टिंग के चीजों में किया तो बैंड बच जाएगी। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी सेटल हो जाओ, 3-4 दिन के अंदर खत्म करो चीजों को, किस केस को। मंडे से आई एम एक्सपेक्टिंग, कल तो सैटरडे है, मंडे से आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्लास ओवरऑल सेटल हो जाएगी। हमारी क्लास में हमारे ही रजिस्टर्ड बच्चे बैठेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट थिंग, क्योंकि मंडे से हमें करनी है फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत, पहले चैप्टर की शुरुआत। बुक्स कितने लोगों ने ले ली? अरे वाह, गजब, बहुत बढ़िया। मंडे तक बाकी लोग भी ले लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिस्पैचिंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। डिस्पैचिंग कब हुआ? 17 तारीख को, नहीं 15 या 16 तारीख को डिस्पैचिंग हो चुका है। धीरे धीरे आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो मंडे तक नहीं भी मिलेंगी तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। स्टार्टिंग के 10 दिन के नोट्स मैंने पीडीएफ में डाल दिए हैं यूट्यूब के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और आपके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन में। सो बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा। संडे को ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ एक जूम सेशन रहेगा, तब चीजें आपके साथ जो भी चीजें बातें रहेंगी वो तब मैं आपको अलग से बता दूंगा, जो फेस टू फेस वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले बेटा, मैंने कल कुछ बातें की थी वो एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि यहां पर थोड़ा सा एक स्टार्ट पॉइंट मिल जाए, क्योंकि कुछ बच्चे नए आए हैं। हमने बातें क्या की थी? हमने ये बातें की थी कि सर कोई भी कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे लिस्टेड कंपनी हो, चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो, सर सेक्शन 8 मतलब एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। किसके अकॉर्डिंग बनाने? कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछने गए कंपनीज एक्ट के पास कि बताओ भाई कंपनी एक्ट कैसे बनाऊं, तो उसने बोला कि तू जा मेरे शेड्यूल 3 के पास। उसने अलग से शेड्यूल बना के रखा, एक्ट में नहीं बनाया उसने फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेटिंग वाली चीजें होती हैं वो सारी अलग से अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट को शेड्यूल बोलते हैं। तो इसने कंपनीज एक्ट ने बोला शेड्यूल 3 के पास जाओ, हम गए शेड्यूल 3 के पास। तो शेड्यूल 3 ने बोला, शेड्यूल 3 ने कुछ ऐसा बोला, शेड्यूल 3 कहां है, कहां है, कहां है, यस शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 ने बोला कि भैया मेरे तो 3 डिविजन है, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग, मेरे तो 3 डिविजन है, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। शेड्यूल 3 हमसे पूछ रहा है कि तुम कौन सी वाली कंपनी हो, तुम अपनी कैटेगरी बताओ। हमने बोला कैटेगरी मतलब? उसने बोला तुम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L, ये सब कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हो? AS के अकॉर्डिंग बनाते हो, Ind AS के अकॉर्डिंग बनाते हो, या फिर तुम अलग ही एक स्पेशल टाइप की कंपनी हो? स्पेशल टाइप की मतलब बोर्ड पे देखेंगे, स्पेशल टाइप की मतलब। तो हमने शेड्यूल 3 को बोला कि भैया हम तो जो है हम तो AS के अकॉर्डिंग बनाते हैं। किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? AS के अकॉर्डिंग बनाते। तो उसने बोला हाँ हाँ हाँ, फिर ना तुम डिवीजन 1 वाला फॉर्मेट तैयार करोगे, तुम फिर डिवीजन 1 को फॉलो करोगे। मैंने ओके ठीक है। फिर दूसरी कंपनी आई, उसने बोला मैं तो Ind AS फॉलो करता हूं, मैं तो Ind AS फॉलो करता हूं। तो उसको बोला उसने कि तुम तो डिवीजन 2 के अकॉर्डिंग बनाओगे। ऐसी कंपनीज जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या फॉलो करती है? Ind AS। तो उसको डिवीजन 2 अप्लाई होगा। और फिर बोला कि भाई मैं तो बैंक हूं, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी हूं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ऊपर डिवीजन 3 लगेगा, डिवीजन 3 की रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। आया समझ में कि नहीं? अब तुम सभी बच्चों के सिलेबस के अंदर, इंटर वाले बच्चों के सिलेबस के अंदर कौन सा वाला डिवीजन एप्लीकेबल है? डिवीजन 1। क्या तुम्हें डिवीजन 2, डिवीजन 3 पढ़ने की जरूरत है? नहीं। इवन फाइनल के अंदर तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल रहेगा डिवीजन 2, डिवीजन 3 भी नहीं रहेगा। एस पर अभी तक की तो सिचुएशन यह कहती है, आगे तुम जब फाइनल में एग्जाम दोगे उसमें तो टाइम है, बट अभी तक की सिचुएशन तो यह कहती है कि डिवीजन 3 तो अभी तक किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सर क्यों नहीं एप्लीकेबल होता? क्योंकि ना अभी ना लड़ाई चल रही है। कौन सी लड़ाई? सर बैंकिंग आरबीआई की और IRDA की विथ ICAI और सरकार के साथ। सरकार पीछे लगाए, Ind AS फॉलो कर, Ind AS फॉलो कर, Ind AS। बैंक बोल रहा नहीं करेंगे फॉलो, बैंक बोल रहा हम नहीं करेंगे फॉलो। बैंक ने नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन निकाल के अपने Ind AS को पोस्टपोन करवा दिया। Ind AS में बैंक ने बोल दिया हम देखेंगे बाद में फॉलो करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम बाद में फॉलो करेंगे। तो अभी तक बैंकिंग कंपनीज जैसे SBI, HDFC, ICICI, ये जितनी भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं,
जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां वो इंडेस फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और सरकार उनके पीछे लगी है कि इंडेस फॉलो करो. इंडेस के रूल्स स्ट्रिक्ट हैं कंपेयर टू एएस. इंडेस में बहुत ज्यादा अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं पब्लिक के फेवर में. पब्लिक के फेवर में मैंने कहा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा? सो छोड़ देते हैं उसकी बात. तो इसीलिए डिविजन थ्री अभी तक हमारे सिलेबस इंटर छोड़ो फाइनल में भी अप्लीकेबल नहीं है. जब तुम बच्चे लोग फाइनल में पहुंचोगे तो तुम्हें डिवीजन टू पढ़ाया जाएगा. अभी तुम लोग इंटर में हो तो हम ही कौन सा पढ़ेंगे? एक बेसिक डिफरेंस मैंने बताया था. डिवीजन वन में जो बैलेंस शीट बनती है उसमें सबसे पहले क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी. और नीचे क्या आता है? जबकि डिवीजन टू में जो इंडेस वाली बनती है उसमें पहले क्या आता है? नीचे क्या आता है? बात सही भी है, कायदे से यह तरीका ज्यादा बेटर है. एक बात बताओ, जब तुम पहले अपने खुद की, सुनना मेरे से बात, जब मैं तुमसे पूछूं कि बेटा बताओ तुम्हारी नेटवर्थ क्या है, तुम्हारी खुद की औकात क्या है, तो तुम सबसे पहले अपनी लायबिलिटीज को देखोगे कि पहले असेट को देखोगे? पहले तो अपना ध्यान असेट पे जाता है ना यार, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पहले तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? असेट पे, कि भाई देखूं भाई मेरी असेट कितनी है. या मैं किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उस कंपनी की लायबिलिटी पे मेरा ध्यान पहले जाएगा कि पहले मेरा ध्यान असेट पे जाएगा? असेट पे. तो कायदे से लॉजिकली देखा जाए तो जो फॉर्मेट है वो इंडेस वाला फॉर्मेट लॉजिकली सही भी है कि पहले असेट आनी चाहिए. अपनी पहले वर्थ देख लो, पहले अपनी पहले वेल्थ चेक कर लो, उसके बाद देखेंगे कि लायबिलिटी कितनी है. समझा कि नहीं? तो ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसा है. अब अपन आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, डिविजन वन वाले. डिवीजन वन वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज आती है बैलेंस शीट. मैं आपको आज रटवाऊंगा नहीं बैलेंस शीट कि भाई बैलेंस शीट में रटो बैठ के. रटना है, कभी ना कभी रटना पड़ेगा, पर जब क्वेश्चन करते 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 अपने को याद हो जाएगा ना तो रटने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आज रटेंगे नहीं, आज हर एक चीज पर बातचीत करेंगे. एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पेन और कॉपी आपके हाथ में होगी ताकि मैं जो भी कुछ बोलूं, हाँ मैं खुद से बोलूंगा कि डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो तो लिखना ही पड़ेगा, पर हो सकता है शायद कुछ ऐसी चीजें हो जो आपको मैं डिक्टेट तो नहीं कर रहा हूं पर समझाते समझाते आपको लगे यार सर ने ना ये पॉइंट जबरदस्त बोल दिया, इसको मैं लिख लेता हूं. सर ने ऐसा एग्जांपल दिया, इसको मैं ना नोट कर लेता हूं, घर जाके इसको फेयर कर दूंगा. तो वो आपको ना दिमाग में बैठ जाएगा, बस सुनोगे ना तो चार दिन बाद निकल जाएगा. तो इसीलिए कुछ चीजें हो सकती है कि आपको रियलाइज हो कि यार लिखना चाहिए था, लिखा नहीं. हाँ, आज क्लास के एंड होने के बाद मुझे सभी बच्चे याद दिलाएंगे कि जो भी मैंने ये नोट्स हैं जो लिखे हैं सब कुछ अभी तक के, वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर कर दूंगा. आप सबके साथ शेयर कैसे होंगे? आप सबके नंबर्स हमने लिए हुए हैं, आप सबको व्हाट्सएप आ जाएगा. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आपका ग्रुप भी बहुत जल्दी बना दिया जाएगा तो आपको संडे तक ये नोट्स भी, सॉफ्ट कॉपी नोट्स ये शेयर कर दिए जाएंगे. शुरू करते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी. कल का डिस्कशन हमारा क्या हुआ था? कल का डिस्कशन हमारा हुआ था कि सर इक्विटी और लायबिलिटी में क्या अंतर है. तो आपको क्या लिखना चाहिए था? लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, पक्की बात है पैसा निकलेगा जेब से, मुझे पे करना पड़ेगा. अगर ऑब्लिगेशन है पे करने की तो वो चीज क्या है? और अगर मेरी ऑब्लिगेशन पे करने की नहीं है इस व्यक्ति के लिए तो ये व्यक्ति मेरे लिए कौन है? इक्विटी. आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा. चलिए एक मिनट इधर आओ भाई, तुम भी इधर आओ भाई, जल्दी 2 मिनट आओ. कुछ है जेब में? 10 रुपए का नोट है? कुछ भी नहीं है? 2 नोट चाहिए मेरे को. हाँ वेरी गुड, ये दे दो. हाँ ये पकड़ो, ये पकड़ो. अभी ना मेरे को ना फंडिंग चाहिए, मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला कि मुझे अपने बिजनेस में पैसा लगाना है. तो मैंने पहले सबसे पहले इनको बुलाया, भाई मैंने यार मुझे बिजनेस में पैसा लगाना है, तुम किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहोगे? क्या तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहोगे? रुक पहले सुनना, क्या तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहोगे जिससे तुम कंपनी में वोटिंग कर सको, तुम कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सको, या फिर तुम्हें ना बस मुझे लोन की तरह पैसे देना है जहां मैं तुम्हें हर साल बस इंटरेस्ट पे करता रहूं और एक फिक्स टाइम के बाद तुम्हें मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा पर तुम कंपनी में वोटिंग नहीं कर पाओगे? सेम मैं तुम दोनों से पूछ रहा हूं, तुम बताओ शेयर होल्डर बनना चाहोगे? याद रखना, शेयर होल्डर बनना चाहोगे तो जब तक मेरी कंपनी बंद ना हो जाए तब तक ये पैसा वापस नहीं करूंगा. मस्ती मजाक अपनी जगह पर, इसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, तो याद रखना कि अगर शेयर होल्डर बन गए तो मैं तुम्हें पैसा तब तक वापस नहीं करूंगा जब तक मेरी कंपनी बंद ना हो जाए.
और याद रखना हर साल का इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ नहीं दूंगा, फिक्स रिटर्न। मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें फिक्स रिटर्न दूं, फिक्स रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर मेरी मर्जी हुई, अगर तुम सभी लोगों ने मिलकर वोटिंग किया कि डिविडेंड चाहिए, तो देखा जाएगा, वो भी 50% से ज्यादा वोट हुए तो, अदरवाइज डिविडेंड भी नहीं दूंगा। समझेगी नहीं? हाँ लाओ, हाँ ये मुझे तुमने दिया पैसा, और ये किस रूप में दिया? शेयर कैपिटल के रूप में। अब ये भाई साहब मेरे कौन बन गए? शेयर होल्डर। भाई साहब कौन बन गए? ये शेयर होल्डर बन गए, और मैंने ये पैसा कंपनी में डाल दिया, मैं इस पैसे से असेट खरीदूंगा वगैरह वगैरह, बिजनेस करूंगा। अब मुझे बताइए, शेयर होल्डर बन गए, क्या ये पैसा मुझे इनको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद वापस करने की जिम्मेदारी है? नहीं। कोई ऑब्लिगेशन है? नो ऑब्लिगेशन एट ऑल। जब तक मेरी कंपनी बंद ना हो जाए तब तक मैं इनको पैसा वापस नहीं करूंगा, मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? इवन दो अगर मेरी कंपनी बंद हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे, 100 रुपए इतने पास मेरे पास नहीं बचे, अगर मेरे पास 90 रुपए हुए तो मेरे पास जितने बचेंगे मैं उतने ही दूंगा। मतलब 100 रुपए अगर इसने लगाए हैं तो ही कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम माय साइड कि मैं इसको 100 के 100 वापस करूं। कल को जितना बचेगा सब इसका। सर एक सेकेंड, जितना बचेगा सब इसका मतलब? अगर 200 बचा तो भी इसका, क्योंकि ये कौन है? और शेयर होल्डर मतलब कौन? ओनर। ओनर, ओनर कौन है? ओनर। एंड में जो भी पैसा बचता है वो किसका होता है? ओनर का। कुछ आया अभी थोड़ी दूंगा। हाँ तो, हाँ तो ये मैं इसको पैसा कब दूंगा? बोलो कब दूंगा? कंपनी बंद होने के बाद। आया समझ में कि नहीं? क्या उससे पहले इसके पास कोई राइट है ये मुझसे मांग सकता है? नहीं। इसके पास कोई राइट है क्या? नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर डजंट हैव एनी राइट टू क्लेम हिज मनी। आई थिंक आपको लिखना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर डजंट हैव एनी राइट टू क्लेम हिज मनी फ्रॉम द कंपनी। बेटा तू बाद में लिख लेना, है ना? हाँ डर मत। क्या बोला मैंने बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो अपना क्लेम कर सके पैसा कंपनी से, जब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती। दूसरी बात मैंने क्या बोली? क्या मैं तेरे को फिक्स रिटर्न हर साल दूंगा? नहीं। आप लोग लिखते रहते, मुझे बात भी करेंगे मुझसे, मुझे भी देखेंगे। हाँ हाँ, तो क्या मैं तुझे हर साल फिक्स रिटर्न 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 अर्निंग हर साल की अर्निंग दूंगा क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है तेरे को अर्निंग ना देके यही अर्निंग वाला पैसा मैं अपनी कंपनी में लगाऊं। समझ रहा है क्या? हाँ, अगर मेरी कंपनी बंद हो गई तो मुझे इसको कितना पे करना है? 100 लिए थे 100 ही पे करना पड़ेगा क्या? नहीं। बोलो बेटा, 100 लिए थे 100 ही पे करना पड़ेगा क्या? नहीं। कितना पे करना पड़ेगा? जितना बचेगा, जितना बचेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडुअल इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? रेसिडुअल इंटरेस्ट। सो दूसरा पॉइंट आपको लिखना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर इज एलिजिबल ओनली फॉर रेसिडुअल इंटरेस्ट। जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसा लिखिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर इज एलिजिबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, इक्विटी शेयर होल्डर इज एलिजिबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट असेट्स ऑफ कंपनी। रेसिडुअल इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट मतलब वो ब्याज वाला इंटरेस्ट? नहीं नहीं नहीं, यहां पर इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट? रेसिडुअल इंटरेस्ट मतलब क्या? रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। समझा कि नहीं? तो जो भी बच गया नेट असेट्स में, नेट असेट्स में मतलब सारी असेट को बेचने के बाद, लायबिलिटी को पे करने के बाद जो भी बच गया वो पैसे के लिए ये एलिजिबल होगा। चाहे वो पैसा 100 रुपए से ज्यादा बचे, चाहे वो 100 बचे या 100 से कम बचे, जितना भी बचेगा वो सब इसका। समझा कि नहीं समझा? चलो आप वापस जाओ। अरे रुक तो सही, तेरे को थोड़ी छोड़ूंगा मैं। हाँ अभी भाई वो शेयर होल्डर बन गया, अब तेरे को कुछ और बनना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ हाँ, किस चीज के? मेरे को पैसे चाहिए थे मेरी कंपनी में। हाँ तो तू क्या बन रहा है? लोन दे रहा है वो मुझे। अब ये कौन हो सकता है? सुनिएगा ध्यान से, पहले नाम सुन लीजिए। ये एक बैंक हो सकता है? बोलो हाँ। क्या ये एक डिबेंचर होल्डर हो सकता है? बोलो हाँ। डिबेंचर होल्डर बोल सकते हो, बैंक बोल सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूं ये बॉन्ड होल्डर हो सकता है? बॉन्ड भी एक तरीके से डिबेंचर और लोन का रूप है, अलग अलग नाम है बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं?
क्या ये अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है? कोई मेरा कोई मेरी कंपनी, सिस्टर कंसर्न कंपनी, दूसरी कंपनी, ग्रुप कंपनी हो सकती है? हाँ, बोलो बेटा। इन सबको एक ही शब्द में क्या बोले? इन सबको एक ही शब्द बोलेंगे, डेट। क्या बोलेंगे? डेट, DEBT, डेट। कि ये मेरा कौन है? डेट होल्डर है। आया समझ में कि नहीं? इसने मेरी कंपनी में ये पैसे लगाए हैं। तो मैं आपको आपके फीचर्स बता देता हूं कि भाई आपके क्या राइट्स हैं और क्या क्या होगा। इन्होंने जो मुझे पैसे दिए हैं कंपनी में पैसे लगाने के लिए, मुझे जो इन्होंने पैसा दिया है, फंड्स दिया है, इनको हर साल फिक्स इंटरेस्ट देने की जिम्मेदारी है मेरी। हर साल फिक्स इंटरेस्ट देने की लायबिलिटी है मेरी। हर साल मुझे इनको रिटर्न देना पड़ेगा। क्या वो इक्विटी के अंदर था? नहीं था। डिफरेंस याद रखना, ठीक है? बाद में बोलूंगा कि लिखना पड़ेगा, ठीक है? सो हर साल इनको मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। हाँ, जो तुमने पैसा मुझे दिया है वो कितने टाइम के लिए दिया है? हमेशा के लिए? नहीं। तुम जवाब दो, हमेशा के लिए नहीं। डेट होल्डर कभी हमेशा के लिए पैसा नहीं देता। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो कितने टाइम के लिए दिया है? बोलो, पांच साल। पांच साल के लिए दिया है। तो क्या मुझे ये पैसा पांच साल बाद वापस करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कौन बन गया? थोड़ा बेटा इधर हो जा। ये कौन बन गया बेटा? लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे। मतलब क्या मेरी ऑब्लिगेशन है क्या इसको वापस करने की? यस। जबकि शेयर होल्डर के अंदर क्या थी? नो ऑब्लिगेशन टू पे। समझ में आया कि नहीं? अब मुझे बताओ, क्या मुझे इसको पे करने के लिए कंपनी के बंद होने का वेट करना पड़ेगा कि पांच साल होने का वेट करना पड़ेगा? पांच साल के बाद मुझे बताओ, तू वापस आ। पांच साल के बाद मुझे बताओ, अगर सपोज कंपनी बंद भी हो रही है तो मैं पहले किसको पे करूंगा? पहले किसको पे करूंगा? Who will get the priority? Debt holder, liability will get the priority. समझा कि नहीं समझा? तो ये हो गया मेरे लिए ऑब्लिगेशन टू पे, ये मेरे लिए हो गया लायबिलिटी, ये मेरे लिए हो गया डेट होल्डर, इसको मैं फिक्स रिटर्न दूंगा, ये सब चीजें हो गई। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, समझी कि नहीं? चलिए दोनों वापस जाइए, 20 रुपए रखो बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, तो लायबिलिटी होल्डर्स को और इक्विटी होल्डर्स को कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले रिटर्न, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। रिटर्न, रिटर्न मतलब इन हर साल की रिटर्न किसको देना है, किसको नहीं देना है? रिटर्न के रिस्पेक्ट में शेयर होल्डर को देना है? नॉट कंपल्सरी, दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। दूसरा, ये डेट होल्डर, देना ही पड़ेगा। चलो, सेकंड, सेकंड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी समझते हो? मैच्योरिटी मतलब क्या? मैच्योरिटी किसकी है, किसकी नहीं है? मैच्योरिटी मतलब इसने जो मुझे डेट होल्डर ने पैसा दिया था उसका एक टर्म है, फिक्स टर्म है। क्या इक्विटी का कोई फिक्स टर्म है क्या? नहीं, इक्विटी डजंट हैव एनी फिक्स टर्म, जबकि डेट होल्डर हैज फिक्स्ड टर्म। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये दो बातें हो गई। लास्ट में, अगर कंपनी बंद हुई तो पहले किसको मिलेगा? डेट होल्डर को। और लास्ट में किसको मिलेगा? चलो, चौथा, अगर जब मुझे डेट होल्डर को वापस करना पड़ा तो क्या मुझे एग्जैक्ट उतना ही वापस करना पड़ेगा जितना लिया था, कि जो बच गया बस वो बच गया? बोलो बोलो, जितना लिया था उतना वापस करना पड़ेगा। जबकि इक्विटी को जितना जितना बचा उतना। कुछ डिफरेंसेस समझ में आएगी नहीं? अब आपको अपनी भाषा में ये चार पांच डिफरेंसेस बनाओ टी शेप, और ये चार पांच डिफरेंसेस इक्विटी एंड डेट या इक्विटी एंड लायबिलिटी के ये डिफरेंसेस लिखिए प्लीज। मैं सबके तो चेक नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ रेंडमली चेक करना चाह रहा हूं मैं। आप अपनी कॉपी में इक्विटी एंड लायबिलिटी के बीच के डिफरेंसेस को लिखो जो मैंने आपके साथ चार पांच डिस्कस किए। इन द मीनवाइल मैं नीचे कुछ बच्चों से मिलके आना चाह रहा हूं जो वर्चुअल में बैठे हैं, तब तक आप लिखिए। श्री, आप यही रहो, ठीक है? मैं नीचे एक बार लिख के आता हूं।
ऑल राइट, लिख लिए? कितने पॉइंट्स लिखे? हाँ जी, चार पांच, कितने? छह, कितने के लिखे? मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले हमने था मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किसमें होती है? शेयरहोल्डर में होती है। लाइबिलिटी में हैविंग फिक्स मैच्योरिटी, आप लिखोगे फिक्स मैच्योरिटी। इक्विटी में नो फिक्स मैच्योरिटी, नो मैच्योरिटी एट ऑल। चलो दूसरा, रिटर्न, हर साल का एनुअल रिटर्न, हेडिंग डाल सकते हो एनुअल रिटर्न। बोलो किसमें एनुअल रिटर्न फिक्स होगा? डेट होल्डर में। लाइबिलिटी में एनुअल रिटर्न इज फिक्स्ड, मैंडेटरी। इक्विटी वाले में नॉट मैंडेटरी एट ऑल। इफ डिक्लेयर देन ओनली हैव टू पे, अगर डिक्लेयर किया तो ही पे करना पड़ेगा। नो मैंडेटरी, इफ डिक्लेयर देन ओनली नीड टू पे। समझा क्या? दो डिफरेंस हो गए। तीसरा, प्रायोरिटी, लिक्विडेशन के टाइम पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी शैल बी गिवन ऑलवेज टू डेट होल्डर्स लाइबिलिटीज। ठीक है बेटा, तो सर इक्विटी वालों का उसमें लिखेंगे दे रैंक लास्ट। उनका रैंकिंग कहां आता है? लास्ट में, दे रैंक लास्ट। समझा कि नहीं? ये हो गया प्रायोरिटी। उसके बाद वोटिंग पावर, करेक्ट, वोटिंग पावर भी लिख सकते हो। किसको वोटिंग पावर होता है? शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग पावर, डेट होल्डर्स डजंट हैव वोटिंग पावर। वोटिंग पावर का मतलब डिसीजन मेकिंग, कंपनी को चलाने के अधिकार। यस, रीपेमेंट, कंप्लीट रीपेमेंट। फिक्स रीपेमेंट किसको देना पड़ेगा? याद है 20 रुपए लिए थे, 20 रुपए वापस करने पड़ेंगे। रीपेमेंट लिखो, वर्ड आप लिख सकते हो रीपेमेंट। तो रीपेमेंट किसका फिक्स होता है? डिबेंचर होल्डर्स, डेट होल्डर्स, लाइबिलिटी होल्डर, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो रीपेमेंट लाइबिलिटी में लिखोगे फिक्स रीपेमेंट। सर इक्विटी में क्या लिखें? इक्विटी में रेसिडुअल, बचा हुआ, फिक्स नॉट फिक्स। रेसिडुअल के बगैर ब्रैकेट में लिख देना नॉट फिक्स्ड, रेसिडुअल के ब्रैकेट में लिख देना नॉट फिक्स्ड। पर इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा नहीं मिल सकता। इवन अगर 100 रुपए दिए थे तो 110 भी वापस मिल सकता है। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट, एक और लिख सकते थे, ऑब्लिगेशन टू पे नो ऑब्लिगेशन टू पे। चलिए, इतनी बातें क्लियर है कि नहीं इक्विटी लाइबिलिटी की? अगर इतनी क्लियर है तो आप, कसम है तुम्हें तुम्हारे अटेम्प्ट की, तो मुझे एक सवाल का जवाब दोगे कि नहीं दोगे? मैं एक सवाल पूछने वाला हूं तुम्हारा इक्विटी लाइबिलिटी के बेसिस पर ही, और मजेदार पॉइंट है, आगे चल के ये पॉइंट्स पढ़ने को आएगा तुम्हारे सिलेबस में। टेल मी द नेचर ऑफ, टेल मी द नेचर ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल। एक बता बेटा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल सर इक्विटी है, लाइबिलिटी नहीं है। ओके, इक्विटी है, वेरी गुड। लाइबिलिटी, ओके, इक्विटी, अभी लाइबिलिटी क्यों है? ऑल राइट, ऑनलाइन में देख लेते हैं। इक्विटी लाइबिलिटी, बोथ वही आंसर हो जाए, अभी लाइबिलिटी है बाद में इक्विटी हो जाएंगे। ओके, अच्छा थोड़ा सा चेंज करूं, मैं जवाब सबका इकट्ठा दूंगा। अभी क्या पूछा? कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये याद रखना, इस पर मैं बात करूंगा। इसको और थोड़ा चेंज कर देता हूं, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। मैंने डिबेंचर बोला, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। बेटा घबराने की जरूरत नहीं, जो टर्म सुन रहे हो अगर नहीं डिसाइड कर सकते तो ऐसे ही बस हवाबाजी में बंदूक चला दो, इक्विटी या लायबिलिटी, पर बोलना शुरू करो। बोलोगे नहीं, घबराते रहोगे, मन ही मन सोचते रहोगे, तो फिर मजा नहीं आएगा।
ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग इक्विटी? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग लायबिलिटी? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग बोथ? बोथ होंगे क्योंकि कन्वर्ट कर सकते हैं निशांत. मैंने बोला कंपल्सरी कन्वर्टेबल. इसका मतलब क्या हुआ कंपल्सरी कन्वर्टेबल का? कंपल्सरी कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ? अगर 5 साल के लिए मैंने डिबेंचर इशू किया है तो 5वें साल के एंड में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट उसने मुझे दिया था वो मैं उसको कैश में वापस नहीं करूंगा. नो ऑब्लिगेशन टू पे. तो मैं क्या करूंगा? उसको अपनी ही खुद की कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा और उसको इक्विटी शेयर होल्डर बना दूंगा. समझा कि नहीं समझा? सो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी होते हैं. कौन होते हैं? लिखिएगा इस पॉइंट को. क्या बोला मैंने? कंपल्सरी कन्वर्टेबल, बिल्कुल स्लो स्लो, कोई बात नहीं. कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इक्विटी. आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इक्विटी. सर रीजन बताओ, आगे लिखो. बिकॉज ऑनलाइन स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना पेशेंस रखिए डाउट पूछते वक्त, क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी है तो आप बीच में अपने डाउट पूछोगे तो फिर आप उलझ जाओगे. तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सब चीजें सुनाई देंगी, समझ में आ जाएंगी और फिर क्लास के लास्ट में तो आप पूछ ही सकते हो. सो बिकॉज एंटिटी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन, एंटिटी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट. एंटिटी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट, टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट. प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती. कुछ आया समझ में कि नहीं? तो उसको कहां दिखाना चाहिए, इक्विटी में कि लायबिलिटी में? इक्विटी में. अब वापस आता हूं दूसरे वाले में, जो पहला क्वेश्चन पूछा था. मैंने बोला था कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल. अब मैंने आगे तो कंपल्सरी वर्ड लगाया नहीं, तो मैं उसको और थोड़ा उसका नाम ठीक कर देता हूं. पहले ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, पहले तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ. ऑप्शनली मतलब, ऑप्शनली मतलब क्या? चॉइस, चॉइस, चॉइस का मतलब समझा है? 5 साल जब खत्म होंगे तो मैं तुमसे ही पूछूंगा कि तुम्हारा प्रिंसिपल मुझे तुम्हें कैसे देना है, कैश में देना है या मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू करके देना है. कुछ लोग बोलेंगे कैश दे दो, कुछ लोग बोलेंगे शेयर दे दो, पर मेरे को अभी तो कुछ नहीं पता तो क्या मानूं? माता कॉन्टिनेंटल नहीं, इक्विटी की लायबिलिटी, लायबिलिटी. क्योंकि इस टाइम पर मैं ये बोलूंगा कि भाई 1% भी चांस है क्या कैश मांगने का? बोलो 1% भी चांस है क्या? इवन इफ देयर इज अ रिमोट चांस टू पे कैश, इट्स अ लायबिलिटी. इवन इफ देयर इज अ रिमोट चांस 1% भी अगर है कि कैश देना पड़ सकता है, अगर उसने डिमांड किया तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, मुझे कैश पे करना ही पड़ेगा. तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी. तो वर्ड लिखवाऊं, मैंने अभी लिखवा, पहले लिखवा लेता हूं. शांत भीम शांत. ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल. ये हेडिंग हो गई, डैश करके आगे लिखो. ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल डैश, इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी बिकॉज, इट्स अ लायबिलिटी बिकॉज
इफ दे डिमांड देयर कैश बैक, इफ दे डिमांड देयर कैश बैक, अगर उन्होंने डिमांड किया कैश वापस करो, इफ दे डिमांड देयर कैश बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम खत्म होने के बाद, सपोज मैंने 5 साल के लिए इशू किया था, 4 साल के लिए इशू किया था, अब वो डिमांड कर रहे हैं, इफ दे डिमांड फॉर कैश बैक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी कैन नॉट डिनाई, कंपनी कैन नॉट डिनाई, डिनाई मतलब कंपनी मना नहीं कर सकता, समझे कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या बोला, रीजन क्या बोला? मैंने बोला प्रेफरेंशियल कैपिटल। सर क्या बात कर रहे हो, शेयर कैपिटल के अंदर नहीं दिखेगा? प्रेफरेंशियल कैपिटल एक लायबिलिटी होता है बेटे, और अगर वो लायबिलिटी है तो इसका मतलब मुझे उसको नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा। पर सर नाम तो शेयर कैपिटल है, नाम पे क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, नेचर से क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या मुझे एक टाइम के बाद उसको रीपे करना पड़ेगा? बोलो यस सर नो। आपने नाम सुना होगा ना, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट, फिक्स है, रीपेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? तो बोलो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल में मैं बोल सकता हूं ऑब्लिगेशन टू पे। बोलो बोलो yes। तो बताओ मुझे उसको कहां दिखाना चाहिए, मुझे उसको शेयर कैपिटल में दिखाना चाहिए कि मुझे उसको नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाना चाहिए? नाम से भले शेयर कैपिटल है, नाम में कुछ नहीं रखा, उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है लायबिलिटी का। कुछ आया समझ में कि नहीं? yes, बोल बेटा, अब तू क्या बोल रहा था? सर, मैं कह रहा था कि नहीं ना, मैंने अभी क्या लिखवाया, तूने अभी क्या लिखा, जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल, क्या लिखा, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो वो भी तो प्रेफरेंशियल कैपिटल है। पढ़ उसको अच्छे से, पहले हम सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा, तुम्हें ही देख रहे हैं, पढ़ो। नहीं नहीं ठीक है, नहीं पहले पढ़ो और बताओ। तो क्या होते हैं वो, शेयर कैपिटल में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा? लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा पहले मन को संतुलित करो, थोड़े पेशेंस रखो। जब मैं कुछ बात कर रहा हूं, जब मैं कुछ लिखवा रहा हूं, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अचानक से डाउट आएगा तो उसके चक्कर में मेन बातें सुनना भूल जाओगे, तो पहले कॉन्सेंट्रेट करो, सब पूछ लेना बाद में, ठीक है। चलो इक्विटी लायबिलिटी बेटा क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। पक्का? वेरी गुड। तो वापस आते हैं, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। थोड़ी सी बातें रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में मैं वापस से बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं लिखवाना चाहता हूं। सर रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? बेटा रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है कंपनी की आज तक की कमाई हुई अर्निंग्स जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर ली होती तो वो पैसा कंपनी के बाहर निकल चुका है। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल, कंपनी ने पहले साल में 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब कल हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? अबे नालायकों, प्रॉफिट क्या होता है? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। हाँ, तो कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया पहले साल, 20 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, कितना बचा? 80 रुपीज कहां दिखेगा? अगले साल ये 80 रुपीज हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस। yes। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अगले साल, नेक्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में कंपनी ने कमाए 300 रुपए, कितने कमाए? 100 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, कितने बचे? 200 रुपए कहां डालेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग कितना था? 80। करंट ईयर में कितने डाले? 200। क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 280। समझा कि नहीं समझा? तीसरे साल ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 280। फिर कंपनी ने कमाए 500 रुपए, कितने कमाए? 500। कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिटर्न जरूरी थोड़ी देना, अभी भी तो लिखा था अपने इक्विटी वालों को रिटर्न दे सकते हैं क्या? जरूरी नहीं है। कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, पूरे 500 रिजर्व एंड सरप्लस में चले गए। बोलो ओपनिंग कितना था? ओपनिंग कितना था? 280। किसने कितने डाले? 500। क्लोजिंग कितना हुआ? 780। कितने साल हो गए? 3 साल। तीसरे साल के एंड में मेरा रिजर्व एंड सरप्लस आज दिख रहा है यहां पर, मैं बोलूंगा 780। इसका मतलब क्या है?
कंपनी की आज तक की कमाई हुई इनकम जिसको डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं किया। समझा कि नहीं? Yes, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई वो तो कंपनी के बाहर ऑलरेडी जा चुकी है ना। Yes, बोलो बेटा समझा कि नहीं? Yes, पक्का? Yes, अब इसके अंदर नाम बहुत सारे हो सकते हैं, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वॉट एवर यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली दे ऑल आर आज तक की, बोलो ना यार, आज तक की कमाई हुई इनकम जिसको अभी तक हमने, समझा कि नहीं? बस अलग अलग जगह डाल दिया। कल का एग्जाम्पल याद है, पापा पैसे कमा के आए तो उन्होंने थोड़ा पैसा कहां डाला, बैंक में, थोड़ा पैसा कहां डाला, अपने अलमीरा में उसमें, और थोड़ा पैसा मम्मी को दिया, थोड़ा पैसा अपने पॉकेट में रखा, तो उसका बंटवारा किया। तो ऐसे ही इसके अंदर कई अलग अलग नाम होते हैं, जनरल रिजर्व में डाल दिया, थोड़ा सा कहीं और डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, वगैरह वगैरह। बोलो बेटा, हाँ, इसके अंदर जितने नाम होते हैं उनके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजन तो हम हर चैप्टर के अंदर आके पढ़ेंगे ना, बट कुछ ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से कुछ भी कैसा भी बना लिया कि जनरल रिजर्व में कितना डालना चाहिए, कैपिटल में कितना डालना चाहिए, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्यों आया, हर किसी का रीजन है, पर वो रीजन की बातचीत अभी करना मतलब नहीं है, क्योंकि वो AS से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। लिखवाऊं थोड़ा सा पॉइंट? लिखो, रिजर्व इन सरप्लस। यस, रिटेन्ड अर्निंग भी कह सकते हैं फैजल। हाँ, लिखो, रिजर्व इन सरप्लस। रिजर्व इन सरप्लस, द अर्निंग्स अर्नड टिल डेट, द अर्निंग्स अर्नड टिल डेट, टिल डेट which is not yet distributed, which is not yet distributed, जिसको अभी तक distribute नहीं किया गया, which is not yet distributed, इतना clear हुआ? आगे लिखो, अभी बात बची है मेरी, आगे लिखो, reserves and surplus can be of two types, रिजर्व एंड सरप्लस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ए बी कर लेना, ए रियलाइज्ड प्रॉफिट्स डैश करके उसके आगे लिखो, रियलाइज्ड प्रॉफिट्स डैश करके, दीज प्रॉफिट्स आर अर्नड इन कैश, these profits are earned in the form of cash, dusra unrealized profits These are not earned in cash. ऐसा प्रॉफिट जो कैश में अभी तक अर्न नहीं किया, लिखो, फॉर एग्जाम्पल रीवैल्यूएशन रिजर्व मुझे एक बात का जवाब दीजिए और बोर्ड पर भी देखिएगा। अगर मेरे पास आज एक बिल्डिंग है जिसका बुक वैल्यू है 10 लाख, बुक वैल्यू समझते हो बेटा? बुक वैल्यू मतलब डेप्रिशिएट होने के बाद, पर बुक वैल्यू का मतलब और थोड़ा सा बड़ा, जो चीज बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है,
इसका दूसरा नाम आज के बाद, एएस कभी भी वर्ड बुक वैल्यू यूज नहीं करता, एएस नाम यूज करता है कैरिंग अमाउंट। क्या बोलोगे नाम? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू होती है। तो बिल्ड नहीं, कैरिंग अमाउंट बोलो बेटा, अभी क्लोजिंग ओपनिंग कुछ नहीं, सिंपल। कैरिंग अमाउंट मतलब जो बैलेंस शीट में दिख रही है, कैरी हो रही है जिसको। तो बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट कितना है? मार्केट में इसका फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब अगर बिल्डिंग को बेचा जाए तो आज आराम से इतना मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1350। मार्केट का इसका फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू मतलब अगर मैं बिल्डिंग को बेच दूं जाके तो कितना पैसा रियलाइज हो जाएगा? 1350। कंपनी चाहती है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर, जब भी अभी तो बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग दिख रही है 10 लाख की, पर कंपनी चाहती है कि मैं बिल्डिंग को फेयर वैल्यू पे दिखाऊं। पॉइंट नंबर वन, क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? द आंसर इज यस, एएस 10। क्यों कर सकती है? बिकॉज ऑफ एएस 10। एएस 10 उसको अलाउ करता है कि यस यू कैन डू इट। अगर कंपनी ने ऐसा किया, क्वेश्चन नंबर टू, अगर कंपनी ने ऐसा किया तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कि बिल्डिंग की वैल्यू गिर रही है? बढ़ना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट को क्या करूं, क्रेडिट की डेबिट? प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए? अब पॉइंट आता है कि मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कि गिर रही है? बिल्डिंग बढ़ रही है। बिल्डिंग क्या होती है? असेट की लायबिलिटी। असेट हमेशा बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। असेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो मैं एंट्री करूंगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना? 350, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, बढ़ा दिया। 2, प्रॉफिट हुआ? बोलो प्रॉफिट हुआ। हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ना भाई, पर क्या प्रॉफिट कैश में रियलाइज हो गया? क्या प्रॉफिट कैश में रिलाइज हो गया? नहीं, प्रॉफिट हुआ है, पर अभी इसको मैं कैपिटल एप्रिसिएशन बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि हाँ भाई, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई पर अभी मैंने बेचा नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? तो मैं इस प्रॉफिट को पीएनएल में ले जाऊं क्या? मैं इस प्रॉफिट को पीएनएल में ले जाऊं क्या? एएस 10 मुझे मना करता है, बोलता है ना बाबा, मैं तुझे पीएनएल में नहीं लाने दूंगा, तू इसको अलग रख। मैंने क्यों अलग? क्यों अलग रखने का रीजन? एएस 10 बोलता है पागल हो गया, पीएनएल में डालेगा 350,000 से तेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बोलना भाई, ये जो आदमी है इधर, हाँ, इसको जानते हो? हाँ, शेयर होल्डर। ये जो आदमी है, ये डिमांड करने लगेंगे, ये वोटिंग करने लगेंगे, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो। एक बात बताओ, जो मैंने वैल्यू इंक्रीज की, जो मैंने वैल्यू इंक्रीज की 3.5 लाख की, प्रॉफिट क्या मुझे कैश में रियलाइज हुआ? बोलो ना बेटा, बैठे बैठे प्रॉफिट हो गया। अरे यार, तुमने घर पे कई बार सुना होगा अपने मॉम डैड को, वो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी देखो कितनी आज वैल्यू बढ़ गई है। जाके बोलना घर पे, वैल्यू तो बढ़ गई है, कैश आया क्या तुम्हारे पास? कैश आया क्या? नहीं ना। तो वो कौन सा प्रॉफिट है? अनरियलाइज्ड। क्या बोलेंगे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अगर मैंने उस प्रॉफिट को गलती से पीएनएल में डाल दिया, ये लोग छोड़ेंगे नहीं मेरे को, ये लोग बोलेंगे डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो। इनसे छुपा के रखना है मेरे को, इनसे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इन ये छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इसको पीएनएल में डालूं, बिकॉज वंस इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल, आई मे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, मुझे डिविडेंड बांटना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं इसको पीएनएल से दूर रखना चाहता हूं, पीएनएल से दूर। कहां जाऊं, कहां जाऊं, कहां जाऊं? एक नया नाम सोचते हैं, नया नाम होगा इसका रीवैल्यूएशन रिजर्व। क्या नाम बोला मैंने? सर ये नाम कैसे आया? बेटा मैंने बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया, 10 लाख की बिल्डिंग को कितने पे रीवैल्यू किया? 1350 पे। तो मैं उसका नाम क्या बोल रहा हूं? रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो मैं एंट्री करूंगा 2, रीवैल्यूएशन रिजर्व। समटाइम्स इट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस, नाम कुछ भी हो, काम वही है, बस अनरियलाइज है। तो 350। बोलो बेटा क्लियर हुआ? बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये क्या है, रियलाइज की अनरियलाइज्ड? अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड क्यों? क्या मैंने बिल्डिंग बेचा?
नहीं बेचा तो प्रॉफिट ऐसे कैसे दिखा सकता हूं? पर फिर भी अगर दिखा रहा हूं क्योंकि मार्केट में वैल्यू बढ़ गई है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस के घर पे नहीं बेचूंगा, भेजूंगा। समझ में आया कि नहीं? मैं उसको एक अलग घर में रखूंगा सेपरेटली, फिलहाल। सर फिलहाल कि हमेशा? फिलहाल कि हमेशा? फिलहाल, फिलहाल रखूंगा। कभी ना कभी तो कैश में रियलाइज होगा। बोलो कब होगा? जब बेचेंगे। सर मान लो बेचना ही नहीं है तब? तो पड़ा रहेगा, तो पड़ा रहेगा यहीं पर। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो मुझे बताइए रिवेल्यूशन रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? लिखा ना अभी तुमने, कौन कौन से? रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड। सर अनरियलाइज्ड का एग्जांपल दे दिया, रियलाइज का भी दे दो। रियलाइज का एग्जांपल हम ऑलरेडी हम हमेशा बचपन से करते आए, जो पीएनएल में नेट प्रॉफिट आता है वो क्या होता है? रियलाइज। तो अगर एग्जांपल लिखना चाहते हो तो लिख लो, द नेट प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम पीएनएल, द नेट प्रॉफिट कैलकुलेटेड फ्रॉम पीएनएल इज अ रियलाइज प्रॉफिट। दिखानी पड़ेगी नहीं, चॉइस है, तू चाहता है तो दिखा दे। ऐसा नहीं कि दिखानी पड़ेगी। मान लो दो कंपनीज है, तुम और तुम, सेम बिजनेस में हो, तुम चाहते हो कि मैं दिखाऊं, तो एएस बोल रहा है दिखा दो, पर पीएनएल में नहीं डाल दूंगा। ये चाहता है कि नहीं 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 मैं 10 लाख पे दिखाना चाहता हूं, फालतू का ये मेरे को नहीं चाहिए टेंशन, मत दिखाओ। एएस दोनों चॉइस देता है। आएगा ना रिवॉल्यूशन, फिर वो उल्टा हो जाएगा, रिवॉल्यूशन लॉस होगा, लॉस होगा। आएंगे उस पर भी आएंगे, आते ना भाई, आता ना मैं अभी आया ना। कैपिटल रिजर्व भी दो प्रकार के होते हैं, वही रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड। कैपिटल रिजर्व भी दो प्रकार के हो सकते हैं, रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड। ऐसे मत देख, आता हूं बताऊंगा। अरे बहुत सारे बातें अभी कैपिटल रिजर्व की आने वाली है। तुम लोगों ने घंटा जो पढ़ा है ना, सब फोकट पढ़ा है तुमने, फालतू पढ़ा है। फाउंडेशन में कुछ काम करनी पड़ा है तुमने वो वाला जो, अरे मैं किसी को अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बस तुम्हारी जो पढ़ाई थी ना फाउंडेशन वाली, वो घंटा किसी काम की नहीं थी, इसलिए फाउंडेशन पूरा चेंज कर रहे हैं वो लोग। तो कैपिटल अभी क्यों आता है, काय को आता है, हम बात करेंगे, डोंट वरी। कुल मिला के कैपिटल अभी या तो रियलाइज भी हो सकता है, अनरियलाइज भी हो सकता है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। यस, यहां तक क्लियर है कि नहीं? तीसरा आइटम, तीसरा आइटम, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मैं आपके ऑनलाइन वालों के डाउट देख रहा हूं, रिलेवेंट लगेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। कल हमने बात क्या की थी, क्या बात की थी? सर अभी शेयर नहीं है, हमने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर मैंने तुमसे पैसे ले लिए हैं, आगे चल के मैं तुम्हें उसके बदले में शेयर इशू कर दूंगा। पैसे मैंने तुम्हें अभी तुमसे ले लिए हैं, तो व्हाट इज दैट? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट इज अ पीस ऑफ पेपर, वो पेपर मैंने तुम्हें दे दिया, यू आर इंटाइटल, फ्यूचर में तुम्हें शेयर मिल जाएंगे, या तुम वो पीस ऑफ पेपर जिसको बेचोगे तो मैं उसको दे दूंगा। समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट, नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या है? तुम तो पढ़ चुके होगे यार, ये तो शेयर इशू कर लिया मैंने, पर अभी सिर्फ अलॉट नहीं किया, अभी तुम्हारे डीमेट अकाउंट में आया नहीं है, अभी तुम्हारे अकाउंट में आया नहीं है, और मैंने तुमसे पैसे पहले से ही ले लिए हैं, तो मैं उसको अलग से दिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं? कंपनीज एक्ट कहता है कि इस पैसे को कंपनी अलग से यूज नहीं कर सकती जब तक अलॉटमेंट नहीं किया, तो इसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? तो मैं कह सकता हूं कि ये शेयर एप्लीकेशन मनी और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कहीं ना कहीं ये टेम्पररी है, ये कभी ना कभी जाके शेयर कैपिटल में बनेंगे। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? ये टेम्पररी है, ये कभी ना कभी जाके शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएंगे जब शेयर इशू हो जाएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं? चलिए अब आते हैं फाइनली किस पे, नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग। यस, व्हाट इज द एग्जांपल लॉन्ग टर्म बोरिंग? बैंक लोन। बैंक लोन 6 महीने का लिया, बैंक लोन 6 महीने का लिया, 6 महीने लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म। बैंक लोन 4 साल का इशू किया, लॉन्ग टर्म। डिबेंचर इशू किया 10 साल के लिए, ठीक है। अब मेरे को दूसरा क्वेश्चन का जवाब देना, सुनना ध्यान से। बैंक लोन लिया 10 लाख, कितने का?
नेक्स्ट ईयर हर साल 1 लाख रीपे करना पड़ेगा मुझे. बोलो बेटा, हर साल 1 लाख रीपे करना पड़ेगा. यहां लोन लिया 10 लाख का, एवरी ईयर आई हैव टू पे 31 मार्च को 1 लाख रुपीस बैक. बताइए, 10 लाख का लोन लिया, कितना रीपे हो गया? बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 9 लाख बचा कि नहीं बचा? अगला 1 लाख कितने टाइम में पे करना है? अगला 1 लाख कितने टाइम में पे करना है? कैन आई से विद इन 12 मंथ्स? बोलो बेटा, अगला 1 लाख मुझे अभी पे करना है विद इन वन ईयर. तो मैं करूंगा इसके दो हिस्से. 9 लाख को मैंने किया 1 लाख और 8 लाख. मैं 8 लाख को बोलूंगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड 1 लाख को बोलूंगा करंट लाइबिलिटी. क्या बोलूंगा मैं इसको? करंट लाइबिलिटी. लोन के मैंने दो हिस्से कर दिए. करंट क्यों है? मैं इसको करंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे इसको विद इन 12 मंथ में पे करना पड़ेगा. समझा कि नहीं? सर इसका कोई नाम दो. सर इसका नाम होगा करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. क्या नाम बोलेंगे? लिखवाऊं क्या? लिखो. हाँ, हमें लाइबिलिटी उसके दो हिस्से करने पड़ते हैं कि मुझे जो अमाउंट विद इन 12 मंथ देना है वो मेरा करंट, और जो अमाउंट मुझे विद इन 12 मंथ नहीं देना है वो मेरा लॉन्ग टर्म. ऐसा. चलिए लिखिए लिखिए लिखिए. लॉन्ग टर्म बोरोइंग शैल बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग शैल बी फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. Shall be further divided into two parts. One, पहला, the portion which is repayable within 12 months. The portion which is repayable within 12 months. Prospectus, share warrant same होता है क्या? नहीं, prospectus अलग होता है. The portion which is repayable within 12 months. Second, अच्छा इसी के आगे लिखो, it is called current maturity of long term borrowing. It is called current maturity of long term borrowing. Current maturity of long term borrowing. दूसरा वाला, सेकंड, द पोर्शन विच इज रीपेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स. द पोर्शन विच इज रीपेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स. द पोर्शन विच इज रीपेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स. सर हम इतना लिख रहे हैं, अकाउंट्स एक थ्योरी सब्जेक्ट है क्या? नहीं बेटा, अकाउंट्स पूरा पूरा प्रैक्टिकल है. पर यह बात बहुत आपको समझनी पड़ेगी, जब हम सिर्फ सुनते हैं तो हमें उतना ज्यादा याद नहीं रहता, जब हम सुन के लिखते हैं तो हमें बहुत समय तक रिटेन रहता है. तो अभी लिखना इसीलिए जरूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए लिखना. मैं जो जो प्रवचन दे रहा हूं वो सब तुम सुन सुन के घर जाओगे तो 4 दिन बाद भूल जाओगे. वो सत्संग टाइप हो जाएगा, है ना? वो सत्संग हो जाएगा कि हाँ बाबा का प्रवचन मिला, मजा आया, प्रसाद भी मिल गया. बट अगर मैं लिखवाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं रिटेन होगा. आप लिख रहे हो, कहीं ना कहीं उसको रिटेन कर पाओगे फ्यूचर में. ठीक है? हाँ, तो द पोर्शन, मैंने क्या बोला? द पोर्शन विच इज रीपेबल बियॉन्ड 12 मंथ्स. ठीक है? इट इज अ लॉन्ग टर्म इन नेचर. इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म इन नेचर में देखो, इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी. इट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी. आगे बढ़ते हैं सर. नेक्स्ट आइटम कौन सा है बेटे? नेक्स्ट आइटम कौन सा है?
मैं उसके बगल में लिखूंगा, अगर तुम्हारे पास भी नोट्स हो तो लिखो AS 22। अगर बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक में है सब कुछ, बुक नहीं है तो नोट्स यूज कर लो चलेगा। AS 22 सर, ये बुक का पेज नंबर कौन सा है? सर बुक का पेज नंबर 2.4, बुक में भी 2.4 ही मिलेगा, मतलब बुक में सेकंड चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर का चौथा नंबर पेज मिल जाएगा। AS 22 का नाम है, बस सुन लेना, AS 22 का नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। आपको इनकम टैक्स कोई भी टीचर पढ़ाएगा, पर आपको इनकम टैक्स का अकाउंटिंग जय चावला पढ़ाएगा इस क्लास में। क्यों? क्योंकि भाई इनकम टैक्स तो वो ठीक है, तुमने पढ़ लिया कि वो टैक्स क्या होता है, वो तुमने अभी तक पढ़ा होगा, तुम अभी नए नए हो ना, तो तुम्हें अभी पढ़ा होगा 5 हेड होते हैं, है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना, यही पढ़ाया होगा 5 हेड, तो वो सब पढ़ा देंगे तुम्हें, सब कुछ पढ़ा देंगे, पर उस टैक्स को निकालने के बाद उसकी अकाउंटिंग क्या होगी वो हम AS 22 में पढ़ेंगे कि उस टैक्स की अकाउंटिंग क्या होगी। वो टैक्स के अंदर अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई जाएगी, उस टैक्स को कैसे ट्रीट करेंगे, टैक्स की अकाउंटिंग क्या होगी, क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो सब अपन AS 22 में पढ़ेंगे। ये टर्म क्या है? डेफर टैक्स लायबिलिटी। एक शब्द, एक छोटा सा सेंटेंस बोलूंगा, पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल है, आगे चल के समझेंगे, इसीलिए बस इतना समझ लो, डेफर टैक्स लायबिलिटी मतलब, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, फ्यूचर, टैक्स आज देना था पर नहीं दिया, पोस्टपोन कर लिया, अगले साल या उसके अगले साल या कभी भी फ्यूचर में देना पड़ सकता है, इट इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देना पड़ सकता है मतलब लायबिलिटी, फ्यूचर में क्योंकि वो पोस्टपोन हो गया। आया समझ में कि नहीं? तो अगर कुछ लिखना चाहते हो तो इसी तरीके से लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी फ्यूचर में, मतलब टैक्स की लायबिलिटी फ्यूचर के लिए पोस्टपोन हो गई, टैक्स की लायबिलिटी फ्यूचर के लिए पोस्टपोन हो गई, आज देनी चाहिए थी पर नहीं दी, फ्यूचर के लिए पोस्टपोन हो गई। सर ऐसा क्यों हुआ? पहले इनकम टैक्स पढ़ के आना फिर बताऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स के सेक्शन आते हैं इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है, ब्रैकेट में नेट क्यों लिखा है वो नीचे मालूम पड़ेगा। तीसरा, अदर नॉन करंट, इसको बाद में पढ़ेंगे। चौथा, क्योंकि अदर है ना वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलो अब बात करते हैं सर प्रोविजंस की। सर रिजर्व्स में और प्रोविजन में क्या फर्क है? एनीबडी? आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। रिजर्व में और प्रोविजन में क्या फर्क है? हैंड रेस करिए अगर बताना चाहते हैं तो, मुझे अच्छी खुशी होगी कि हां भाई आप पार्ट ले रहे हैं। यस, पीछे पास ऑन करो, पीछे पास ऑन करो, बैठ जाओ आराम से बोलो। प्रोविजन यानी किसी जो लॉस है वो होने वाले उसके लिए पहले से प्रिपेयर करने के रखने के लिए एक प्रोविजन करते हैं। एक सेकेंड, जो आप बोल रहे हो ना मैं कुछ शब्द लिखते जाऊं। हाँ आप क्या बोल रहे हो? प्रोविजन, कोई लॉस इनकर होने वाला जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेथ, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखते तो अलग से प्रोविजन निकाल के रखते, ठीक है। और रिजर्व में लाइक प्रॉफिट जो अनडिस्टर्ब, लाइक अनडिस्ट्रीब्यूट है अभी तक, रिजर्व के अंदर वो मैनेज होता है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट्स जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो वो क्यों बोलते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ये क्यों बोलते हैं RDD? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बोलते हैं। अच्छा वो आर नहीं बोलते, प्रोविजन बोलते हैं, पर कुछ बच्चों ने शायद आर भी पढ़ा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपके टीचर ने बताया कि वो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है। हाँ तो वो सही शब्द क्या है, वो पी होना चाहिए कि वो आर होना चाहिए? होना पी चाहिए, दोनों सही है। तो इसका मतलब रिजर्व और प्रोविजन दोनों एक ही होते हैं। माइक उधर शिफ्ट करो, दे दे जाओ, पास ऑन करो, जब तक मैं रोक ना दूं, पास ऑन करते हो जल्दी जल्दी। रिजर्व इज फॉर फ्यूचर एक्सपेंस,
प्रोविजन डिनोट्स प्रोवाइडिंग फॉर पॉसिबल लॉस. प्रिपरेशन ऑफ लॉसेस विच कैन बी अकर्ड इन नियरेस्ट फ्यूचर. प्रोविजन इज इक्वल टू पीओ प्लस ऑप्टिमल प्लस एस्टिमेशन. तू मेरा वाला ही मुझे दे रख के मार रहा है. रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन मेड फॉर सम एक्सपेक्टेड लॉस. ठीक है, जैसा इन बच्ची ने बोला तब वैसा ही कुछ कुछ. हाँ, उधर कहां तक पहुंचा भाई? यस बोलिए. सर, प्रोविजंस आर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, एंड रिजर्व्स आर ओनली क्रिएटेड इफ कंपनीज अर्निंग प्रॉफिट्स. एक बार रिपीट करना फिर से. सर, क्रिएटेड व्हेन कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट. तो वो रिजर्व हुआ? प्रोविजंस. वो प्रोविजन हुआ. ओके. एंड रिजर्व्स आर ओनली क्रिएटेड इफ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट. नहीं, नॉट सेटिस्फाइड. वापस करो. यस. फ्यूचर में एक्सपेंस होने वाला है. तुम इधर की लॉस की जगह एक्सपेंस लिख देता हूं. ठीक है, मतलब लॉस नहीं, लॉस भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है. ठीक है, तो वो प्रोविजन होता है. ठीक है, ओ भाई, जो प्रोविजन बनाया अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो रिजर्व हो जाएगा. नहीं नहीं नहीं, गड़बड़. पहला वाला सही बोला, दूसरा वाला गड़बड़ हो गया. रुक जा भाई, रुक जा. हाँ, बैठ के आराम से. हाँ, सर, अगर लॉस का अमाउंट स्पेसिफिक है तो उसके लिए रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, और अगर इन फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है बट वो स्पेसिफिक नहीं है, अनसर्टन है, तो उसको एस्टिमेशन के बेसिस पर प्रोविजन करते हैं. ओके ओके, इधर से एनीबडी? इधर से. मैंने मोस्टली देखा, अभी तीसरी क्लास है, यहाँ वाले बच्चे ज़्यादा जवाब नहीं दे रहे, इधर वाले बच्चे ज़्यादा जवाब देना चाह रहे हैं. ऐसा क्यों? इधर कोई अलग ही हवा चल रही है क्या? इधर जो भी बैठता है वो फिर जवाब नहीं देना चाहता, ऐसा क्यों? इधर का ऐसा. देखो, ऐसा है कि एसी वेसी का ना, सबसे पहले बता दूं, एसी का रूल याद आ गया मेरे को, ये बीच वाला एसी कभी नहीं बंद होगा मेरी क्लास में, और हमेशा कोशिश होगी मैं 18 पे ही चलाऊंगा इसको. फिर जाकर कितने भी ठंडे हो जाओ, बाहर होके हल्के होके आ जाना. मेरा एसी ये वाला बंद नहीं होगा, जितने बंद करने कर लेना बाद में. और एसी बंद करने के लिए रिमोट मेरे से कोई पूछ के ही लेगा, या तो श्री भैया या जो कोई होंगे उनसे पूछ के लेगा. ऐसे नहीं कि अपन बस एसी बंद चालू कर लें, पर बीच वाला एसी हमेशा चालू रहेगा. अब अगर मान लो तुम ठंडे हो गए और तुम्हें बाहर जाना है, तो बाहर जाने का रूल मैंने कल समझाया था. कब जाओगे? कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए उसके बाद ही, तब तक रोक के रखना. क्या समझ गए ना? यस, इधर से. हाँ बोलिए. रिजर्व की वैल्यू में पता होती है, प्रोविजन जो होता है वो एस्टिमेट होता है. वो तो ठीक है, बहुत छुटपुटिया बातें हैं, मेन बोलो. हाँ, वेरी गुड. तुम्हारी कोई छोटी सिस्टर है जो साइंस बैकग्राउंड की है, उसको समझा रही हो तुम, ऐसा बोलो. ठीक है, चलिए, बहुत हो गया. अब मुझे बोलने दीजिए, माइक किधर है? माइक वापस करो, फालतू का गलत यूज उठाओगे तुम लोग माइक का. वापस करो. जिनको नहीं समझा वो पोगो जाके देखना. अरे चुप. प्रोविजन और रिजर्व्स, प्रोविजंस और रिजर्व, ध्यान से दे बेटा. बहुत सारे बच्चों ने सही भी दिया जवाब और कुछ कुछ गड़बड़ गड़बड़ कर गए. पहली बात, प्रोविजन लॉस कोई एक्सपेक्टेड है, होने वाला है तो प्रोविजन बन सकता है. यस, कोई एक्सपेंस है जो पे होने वाला है पर अमाउंट सर्टेन नहीं है तो भी प्रोविजन. यस, मतलब प्रोविजन लॉस के ऊपर भी बन सकता है जो लॉस एक्सपेक्टेड है. प्रूडेंस प्रिंसिपल, प्रूडेंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच,
या फिर फ्यूचर में कोई कुछ पे करना पड़ेगा. प्रोविजन, बिल्कुल करेक्ट. रिजर्व्स, पहली बात तो रिजर्व और प्रोविजन इंटरचेंजेबल टर्म नहीं है. प्रोविजन लॉसेस या एक्सपेंसेस के लिए होता है, जो होने वाले लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं, पर रिजर्व्स आर एक्चुअली प्रॉफिट्स. जिसने भी बोला वो सही बोला, प्रॉफिट्स होते हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए. अभी हमने पढ़ के आया था रिजर्व एंड सरप्लस, अभी अभी पढ़ा था कि नहीं? मैंने रिजर्व का मतलब क्या लिखाया था आपसे, जाके पढ़ो. रिजर्व का मतलब मैंने क्या लिखवाया था? Profits earned by company till date which are not yet distributed, ऐसा कुछ लिखवाया था मैंने शायद. तो reserves reserves है, वही है. Reserves means the profit which are not yet distributed, मतलब undistributed reserves. तो जो word use होता है, provision for doubtful debt, कुछ कुछ कभी कभार होता है books में लिखा होता है reserve for doubtful debt, वो गलत word है. Reserve for doubtful debt is a wrong term. It should not be used. And you will never see this term From CA Inter onwards, कभी भी किसी भी किताब में. यह टर्म ही गलत है. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज नो वेयर एल्स, कोई होता ही नहीं है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है. पर अब हम अगर डिटेल से समझें तो लिखिएगा मेरे साथ. सबसे पहले प्रोविजन, क्योंकि रिजर्व तो मैं लिखवा चुका हूं आपको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. अब हम लिखेंगे प्रोविजंस. बेटा प्रोविजंस दो प्रकार के होते हैं. प्रोविजंस दो प्रकार के होते हैं. पहला, कुछ मिलने वाला था, अब लगता है कि नहीं मिलेगा, नुकसान. पैसा आने वाला था, डेटर्स, उनसे शायद अब पैसा डूब जाएगा, नहीं मिलेगा, बैड डेट्स. पहला टाइप का प्रोविजन बोल रहा हूं. कुछ मिलने वाला था, कुछ इनफ्लो आने वाला था, कुछ रिकवरी होने वाली थी, अब शायद नहीं मिलेगा. तो पहला होता है प्रोविजन फॉर लॉसेस, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस. प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस. कहीं ना कहीं यहां पर आपका दिमाग चलना चाहिए कि कुछ इनफ्लो आ रहा था पर अब कम हो गया. डेटर से 100 रुपए आने वाले थे पर सिर्फ 80 ही मिल पाएंगे, 80 मिल पाएंगे, 20 रुपए नहीं मिल पाएंगे. आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? इनका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हो, प्रोविजंस, प्रोविजंस विच आर क्रिएटेड अगेंस्ट एनी असेट. एनी असेट, ऐसे प्रोविजन जो किसी असेट के अगेंस्ट क्रिएट कर रहा हूं. जैसे डेटर, डेटर से पैसे मिलने वाले थे पर अब थोड़े से पैसे नहीं मिलेंगे, तो डेटर क्या है? असेट. उसको मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ रहा है असेट के अगेंस्ट, उस डेटर के अगेंस्ट. समझ रहा कि नहीं समझ रहा? इनफ्लो, यहां कहीं ना कहीं जब भी मैं कुछ बोल रहा हूं ना, यहां पर आप इनफ्लो 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 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. इनफ्लो, कुछ मिलने वाला था, कुछ रिकवरी होने वाली थी, अब पैसा डूब सकता है. दूसरे दूसरे प्रोविजंस होते हैं प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटफ्लो. अब हम आउटफ्लो की बात कर रहे हैं. प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटफ्लो, कुछ पे करना पड़ेगा. ऐसा नहीं था कि कोई रिकवरी होने वाली थी, रिकवरी विकवरी सब छोड़ दो. अब यहां ना पढ़ के ना ऐसी फील आनी चाहिए कि कोई लाइबिलिटी है. लाइबिलिटी की डेफिनेशन पता ही थी मैंने. अरे लाइबिलिटी और इक्विटी के बीच में मैंने क्या बताया? लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे, ऑब्लिगेशन टू पे. प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटफ्लो मतलब यहां पर कोई ऑब्लिगेशन टू पे हो सकती है. क्या हो सकती है? That is obligation to pay. Obligation to pay. Obligation to pay. Sir, जैसे provision for tax, provision for income tax, tax pay करना पड़ेगा. Provision for ग्रेचुटी. सर ग्रेचुटी क्या होती है?
एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो मुझे उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा. प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कुछ भी खर्चा होने वाला है, एक्सपेंस है. समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? दोनों प्रोविजंस को पढ़ के क्या क्या फील आना चाहिए? यहां पर पहले वाले में क्या फील आना चाहिए आपको? कुछ इनफ्लो आने वाला था, अब नहीं आएगा, इसलिए नुकसान. ये वाले आउटफ्लो, कोई लायबिलिटी वाली चीज, इसलिए बेटा दोनों का प्रेजेंटेशन भी अलग अलग है. ये वाले प्रोविजंस लायबिलिटी साइड में नहीं दिखा सकते. ये किसके अगेंस्ट बनाए गए हैं? असेट के. इसलिए ये वाले प्रोविजन हमेशा असेट से माइनस करके दिखाते हैं. समझा कि नहीं समझा? इसका एग्जांपल मैंने कराया नहीं था क्या? तो मैंने बोल देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स. यहां का एक लिख सकते हो, एक और प्रोविजन फॉर डिविडेंड. डिविडेंड भी तो पे करना पड़ेगा ना. डिविडेंड क्या होगा? पे करना पड़ेगा ना डिविडेंड कंपनी को, अपने शेयर होल्डर्स को. तो डिविडेंड, बोलो बेटा, क्लियर? Yes, तो इनका नेचर क्या लग रहा है? पढ़ के क्या फील आना चाहिए? इनफ्लो वाला फील. इनफ्लो मतलब असेट. तो ये कहां जाएंगे? असेट से माइनस होंगे. समझा कि नहीं? इनमें क्या फील आ रहा है आपको? आउटफ्लो. तो कहां जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? लायबिलिटी. तो ये लायबिलिटी साइड में जाएंगे. समझ में आया कि नहीं? और ये प्रोविजन ओवरऑल डिफरेंट है क्या रिजर्व से? यस. रिजर्व मतलब आज, अरे लिखवाया था यार, आज तक के कमाए हुए प्रॉफिट जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, याद है कि नहीं है? रिजर्व मतलब प्रॉफिट, रिजर्व मतलब प्रॉफिट. प्रोविजन मतलब या तो लॉसेस वाला कुछ सीन बन रहा है या तो एक्सपेंसेस वाला, आउटफ्लो वाला सीन बन रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस. प्रोविजन फॉर डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है, कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को. मैंडेटरी नहीं होता, पर कंपनी की मर्जी. इस बार कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर रही है, तो कंपनी ने बोला यार जब तक बोर्ड मीटिंग आए, जब तक एनुअल जनरल मीटिंग आए, तब तक एक काम करते हैं, एक प्रोविजन बना के रख लेते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हमें 50,000 रुपए, 50,000 डिविडेंड पे करना पड़ सकता है. करेंगे तो सही, अनाउंस करेंगे इस बार डिविडेंड, पर कितना होगा? 50 का 60 भी हो सकता है, 50 का 40 भी हो सकता है. तो 50 तो देख लेंगे, 50 के आसपास पे करना पड़ सकता है. तो हमने फिलहाल 50,000 को प्रोविजन लायबिलिटी बना लिया. आगे चल के फिर से उतना बढ़ा देंगे. प्रोविजन हमेशा अप एंड डाउन होते रहते हैं. जैसे इनकम टैक्स, मुझे लगा था कि टैक्स भरना पड़ेगा 1 लाख, पर एक्चुअल में जाके 120 की लायबिलिटी आ गई, तो 20,000 एक्स्ट्रा और बना लूंगा. मुझे लगा था कि 1 लाख पे करना पड़ेगा, पर 90 में ही काम हो गया, तो बाकी का 10,000 रिवर्स कर दूंगा. तो ये वाले जो प्रोविजंस होते हैं, ये अप एंड डाउन होते रहते हैं. लॉसेस, मुझे लगा था कि 5,000 का लॉस हो गया, पर लॉस तो सिर्फ 4 का ही हुआ, तो बाकी का रिवर्स कर देंगे. तो प्रोविजन ना अप एंड डाउन होते रहते हैं. आया समझ में कि नहीं? बिकॉज हमेशा प्रोविजंस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन सम एस्टिमेट. कोई ना कोई आपने एस्टिमेट किया है वैल्यू. आपका सर्टेनिटी नहीं है कितना फिक्स है, उतना नहीं. एस्टिमेट मतलब जहां फिक्स पेमेंट है कितना होना चाहिए वो नहीं पता. एस्टिमेट क्या है? इतना लगता है कि होगा. आया समझ में कि नहीं? एक होता है सर्टेनिटी और एक होता है एस्टिमेट. सर्टेनिटी मतलब फिक्स, पता है मुझे कितना देना पड़ेगा, और एक होता है एस्टिमेट, पता नहीं है पर लगता है कि इतना होगा. समझा कि नहीं? Yes, हाँ. नहीं, रियल लाइफ में सच में ऐसे नहीं रखते.
रियल लाइफ में नहीं रखते. पॉइंट ये है कि हम अपनी एक मेंटेलिटी सेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कि ये पैसा आगे चल के पे करना पड़ सकता है ऐसा. वो रिवर्स हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, डिविडेंड वंस डिक्लेयर्ड इट बिकम्स ऑब्लिगेशन. मैंने बोला डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो लायबिलिटी हो जाती है, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो वो फिर ऑब्लिगेशन नहीं है. समझा? यस, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? यस, थोड़ा तेज बोलिए. अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए जो वो यही वाले प्रोविजन थे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, जो भी लॉसेस हो रहे हैं. देख, लॉसेस फॉर फायर हुआ, लॉसेस हो गया ना, लॉस होगा कि लॉस हो गया, मतलब फायर होगी मेरे को पहले से ही पता चल चुका है. मैं आपसे वही एग्जांपल पूछ रहा हूं क्योंकि आपने जो शब्द यूज किया है बेटा डिपेंड करता है कि उसमें प्रोविजन बनेगा कि नहीं बनेगा. आप बोल रहे हो अनएक्सपेक्टेड, तो क्या चीज अनएक्सपेक्टेड? उनको बोलने दो. पहला फायर, फायर अनएक्सपेक्टेड पॉसिबल ही नहीं है. मुझे पता है कि पहले से ही फायर होने वाली है, मैं तो अपना सामान उठाऊंगा बाहर निकल जाऊंगा. फायर कैसे होने वाली है? मतलब फायर का एक्सपेक्टेशन अनएक्सपेक्टेड था ना, वो तो वैसे ही. अरे वो तो हो गया ना, तो फिर प्रोविजन क्यों बनाऊं? डायरेक्ट लॉस बना लूं ना. समझो बात को. अर्थक्वेक आया, कोई डिजास्टर आया, कोई फायर आ गई, कोई चोरी हो गई, हो गई, हो गई तो लॉस भी फिक्स. लॉस फिक्स तो प्रोविजन नहीं बनेगा, डायरेक्ट लॉस बनेगा. समझा क्या? फिर प्रोविजन क्यों बनाऊं? समझा कि नहीं समझा? ऐसा इसीलिए उसको डायरेक्ट पीएनएल. प्रोविजन भी जैसे बनता है वो पीएनएल से ही थ्रू बनता है. हाँ, लॉस बाय फायर देखते हैं. बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है कि नहीं? पक्का? वापस आ जाओ तुम्हारी बैलेंस शीट में, जल्दी बोलो. लॉन्ग टर्म प्रोविजन सर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन सर, कोई एग्जांपल दो सर. लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो 12 महीने के बाद पे करना पड़ेगा. अच्छा सर, प्रोविजन में लायबिलिटी साइड दिख रहा है, तो सर ये कौन सा वाला होगा? कौन सा वाला होगा? कौन सा वाला होगा? आउटफ्लो वाला, समथिंग वी नीड टू पे. समझा कि नहीं? चल बोल अभी. सर इसका कोई एग्जांपल दे दो सर. लॉन्ग टर्म प्रोविजन डिफर टैक्स तो ऊपर ही आ गया ना, तो मैं नीचे कहां लिखूं? लिखो इसका एग्जांपल. इधर लिखवाया था प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी लिखवाया था, तो इधर आप लिख सकते हो ग्रेच्युटी प्रोविजन. उसके बगल में लिखो AS 15. हम इस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को AS 15 के अंदर पढ़ेंगे. लॉन्ग टर्म प्रोविजन मोस्टली AS 15 से निकलते हैं. ठीक है सर? AS 15 का नाम क्या है? इंप्लॉय बेनिफिट्स. इंप्लॉयज को जो भी पे करना पड़ता है उसके रिगार्डिंग जो भी लायबिलिटी बनानी पड़ती है, प्रोविजन बनाना पड़ता है, वो इंप्लॉय बेनिफिट्स यहां पर आता है AS 15 के अगेंस्ट. चलिए लास्ट, लास्ट क्या है? क्या है? अदर नॉन करंट. जिसका जो भी आइटम इन तीनों के हेड में नहीं आया वो कहां जाएगा? अदर. मतलब जो ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बोलो ना बेटा, जो ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो ना डेफर टैक्स लायबिलिटी है, जो ना ही प्रोविजन है, तो ये आएगा अदर. सर फिर भी कुछ नाम दो ना. सुनो, बैंक से लोन लिया किस में आएगा? चारों में से किस में आएगा बेटा? बैंक से लोन लिया किस में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग, 10 लाख रुपए. बैंक ने 6 महीने बाद इंटरेस्ट चार्ज किया,
इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट अभी तक मैंने पे नहीं किया, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब मेन लोन किस में आया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, पर इंटरेस्ट किस में आएगा, अगर वो इंटरेस्ट मुझे 12 महीने बाद पे करना है तो, समझा क्या, अगर वो 12 महीने के अंदर पे करना है तो करंट लायबिलिटी। कुछ आया समझ में कि नहीं? yes, बोलो जी, क्लियर हुआ कि नहीं? yes, दूसरा एग्जांपल, मैंने मशीन परचेज किया, क्या परचेज किया, मशीन परचेज किया सप्लायर से, सप्लायर को पेमेंट करूंगा 3 साल बाद, सप्लायर को पेमेंट करूंगा 3 साल बाद, क्या मेरा बोरिंग है, क्या लोन है, क्या नहीं, क्या टैक्स है, क्या नहीं, कोई प्रोविजन है, क्या प्रोविजन तो एस्टीमेट होता है, मुझे पता है कि मुझे कितना अमाउंट पे करना है, फिक्स है, कहां जाएगा, अदर नॉन करंट लायबिलिटी। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो जिसका कोई नहीं उसका अदर नॉन करंट लायबिलिटी। आप चाहो तो बगल में एग्जांपल लिख सकते हो, मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स, मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स। किसका एग्जांपल लिखवा रहे हो सर, किसका एग्जांपल लिखवा रहे हो सर, अदर नॉन करंट लायबिलिटी का, रीपेबल, रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स, रीपेबल आफ्टर 12 मंथ्स। बोलो बेटा, क्लियर है कि नहीं, पक्का? सर एक और एग्जांपल लिखवाओ, मुझे जो याद आता जा रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूं। एक और एग्जांपल, सर मैंने एक कस्टमर, सुनिए, मैंने एक कस्टमर से, मैं बिल्डर हूं, बिल्डर, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने कस्टमर से, नाम क्या है, संयम, संयम को अपना घर बनवाना है, संयम को अपना प्रॉपर्टी मुझसे कंस्ट्रक्ट करवाना है, मैंने संयम से कुछ अमाउंट एडवांस ले लिया, जो भी मैं उसका उसको घर बना के दूंगा, टोटल प्राइस मेरे और संयम के बीच में डिसाइड हुआ है 5 crore, 5 crore का उसको घर बना के दूंगा, उसके लिए टाइम लगेगा 3 साल, आराम आराम से बना के दूंगा, टाइम लगेगा 3 साल, पर मैंने 5 crore में से 3 crore रुपए संयम से एडवांस ले लिया, क्या ले लिया, उसको मैं डालूंगा, उसको मैं बोलूंगा कैपिटल एडवांस, क्या बोलूंगा मैं उसको, एंड कैपिटल एडवांसेस आर कम्स अंडर नॉन करंट लायबिलिटी। कुछ आया समझ में कि नहीं, एग्जांपल लिखेगा कैपिटल एडवांस। कोई प्रोजेक्ट कंपनी लेती है अपने हाथ में ना, रियल लाइफ की सिचुएशन बताता हूं, जब कोई कंपनी अपने हाथ में अपने कस्टमर से कोई प्रोजेक्ट लेती है और उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कि मैं आपको काम करके दूंगा पर मुझे एडवांस चाहिए, और कंपनी को पता है कि वो एडवांस कम से कम साल भर तक भी, साल के बियॉन्ड भी एडजस्ट होता रहेगा पैसा, वो प्रोजेक्ट का पैसा जो मैंने आपसे एडवांस लिया है वो 1 साल के अंदर खत्म नहीं हो जाएगा, मैंने आपसे एडवांस कम से कम 2 साल का लेकर रखा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडवांस, और वो जाता है अदर नॉन करंट लायबिलिटी। कुछ आया समझ में कि नहीं? तीसरा एग्जांपल, सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्या बोला मैंने, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सर ये बताओ थोड़ा सा कैसे होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरते हो, अरे घरों में भरते हैं ना अपन, तो जब इलेक्ट्रिसिटी का नया कनेक्शन लेते हैं तो हम बिजली विभाग को क्या देते हैं, उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं कि नहीं देते हैं, वो हमें कब वापस मिलता है, जब कनेक्शन कट जाता है, जब वहां से चीजें खत्म हो जाती हैं तो डिपॉजिट वापस मिलता है, तो क्या 1 साल के अंदर हम कनेक्शन कटवा लेंगे, सर चलता रहता है वो, तो अब थिंक फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, उसने आपसे क्या लिया, डिपॉजिट लिया कि नहीं लिया, लिया, उसके लिए लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उसको वापस पे करना पड़ेगा, बोलो ना रे, तो वो कहां डालेगी, क्या उसका बोरिंग है, क्या क्या उसका टैक्स है, क्या क्या उसका प्रोविजन है, क्या कहां डालेंगे, इसी रूम की बात कर लेते हैं, ये रूम वैसे तो वी स्मार्ट का खुद का ओन्ड है, पर अगर मान लो ये किराए पर हो, ये रूम अगर मान लो किराए पर हो, या चलो ये विशाल सर का रूम है, मैंने विशाल सर से ये रूम मैंने किराए पर ले लिया,
विशाल सर ने सबसे पहले पूछा कितने साल के लिए चाहिए, मैंने सर 5 साल का एग्रीमेंट, विशाल सर ने बोला 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैंने सर को 1 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, जब 5 साल खत्म होंगे तो सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे वापस करेंगे। सर विशाल सर अपनी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी डिपॉजिट को कहां रखेंगे? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। तो एग्जांपल तीसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। कुछ आया समझ में? नहीं आ रहा? पक्का? घबरा क्यों रहे? पक्का? पानी पी ले, पी ले, पी ले पानी, पी ले पानी तो पी ले, है बॉटल है? अच्छा इसने पी लिया। चलिए मुझे बताइए ये टर्म सबको क्लियर है कि नहीं? बच्चों प्लीज यार जल्दी बताओ। हाँ ग्रेट। अब आते हैं सर करंट लायबिलिटी पढ़ लेते हैं, आइए जल्दी करंट लायबिलिटी। सबसे पहले बेटा लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको समझ में आ गया था, तो आप मुझे समझाओ समझाओ कि शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या हुआ? ऐसा कोई लोन जो 12 महीने के से कम पीरियड का लोन लिया है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। बोलो बेटा समझा कि नहीं समझा? yes, पक्का? yes, sir. सर ये बताओ ना सर, बताओ सर 9 लाख कहाँ जाएगा सर? सर 9 लाख था टोटल, 9 में से 8 लाख तो मुझे बियॉन्ड 12 मंथ बाद में देना है, तो सर जो 1 लाख है वो विद इन 12 मंथ में देना है, सर इसको कहाँ डालेंगे सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग। समझ में आया कि नहीं? बोलो बेटा समझा कि नहीं? चलिए और नेक्स्ट, ट्रेड पेबल के अंदर 2 लोग आते हैं, कौन कौन? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। समझा कि नहीं? उसके नीचे भी क्रेडिटर को 2 हिस्सों में दिखाना पड़ता है, तो क्या लिखो पढ़ो? माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, और दूसरा होता है अदर देन, कुछ नहीं है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस मतलब जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, और अदर देन मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। हमारे देश में एक एक्ट है MSME, सुना होगा शायद, MSME माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस करके एक एक्ट है। तो अगर कोई कंपनी, अगर कोई फर्म, अगर कोई बिजनेस उस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो MSME बन जाती है, मतलब वो माइक्रो कंपनी बन जाती है, वो छोटी कंपनी बन जाती है, वो स्मॉल कंपनी बन जाती है। उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं उनको, उनको लोन सस्ते दाम में मिलते हैं, उनको अगर सरकार से कोई जमीन चाहिए तो उनको थोड़ा सा कम प्राइस में मिलते हैं, MSME के फायदे होते हैं। तो बस यहां बताया गया है कि तुम्हारे ट्रेड पेबल के अंदर जो तुम्हारे क्रेडिटर हैं वो MSME तो नहीं है, और अगर MSME है तो उनको अलग दिखाओ, और अगर वो MSME नहीं है तो उनको अलग दिखाओ। कुछ आया समझ में कि नहीं? चलिए ट्रेड पेबल में कौन 2 लोग आएंगे? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। मेरा एक सवाल है आपसे, पूछूं? अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूं, बच्चों पीछे वाले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेडर हूं जो गुड्स बेचता है, खरीद कर बेचता है, आप मेरे सप्लायर हो, मैं आप लोगों से गुड्स परचेज करता हूं और मैं मार्केट में कस्टमर को सेल कर देता हूं, आपसे मैं गुड्स परचेज करता हूं उधारी में, उधार में क्रेडिट पे 2-4 महीने बाद पे कर दूंगा आपको, और मैं आगे गुड्स बेच देता हूं, आप मेरे कौन हुए? सही है ना? आप मेरे कौन हुए? तो मैं आपको किसके अंडर दिखाऊंगा? वेरी गुड। दूसरा सवाल, मैं वही ट्रेडर हूं जो गुड्स आपसे परचेज करके बेचता है, पर इस बार मैंने इन व्यक्ति से, इन भाई साहब से मैंने ये आईपैड परचेज किया, मैं आईपैड की ट्रेडिंग नहीं करता, आईपैड में तो मैं अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग करूंगा, आईपैड को मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा, असेट है वो मेरी, मेरा धंधा आईपैड खरीद के बेचने का नहीं है। मैंने इन भाई साहब से आईपैड खरीदा उधार पे, उधार पे, समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैं इनको दूंगा 3 महीने के बाद पेमेंट, मैं इसको ट्रेड पेबल में मानू, मतलब क्रेडिटर ही मानू या नहीं? नहीं, इसको मैं डालूंगा कहां पर? अदर करंट लायबिलिटी। इसका मतलब मेरे 2 प्रकार के क्रेडिटर होंगे,
creditor from goods and services of my normal business activity, they will come under trade payable. And creditors other than my normal business activity, मतलब iPad purchase किया, machine purchase किया, land purchase किया, और मुझे उसको within 2-3 months में payment करना है, तो वो कहाँ जाएगा? कुछ आया समझ में कि नहीं? तो आपको short में क्या लिखना चाहिए? Trade payable में जो creditor आते हैं, वो सिर्फ trading activity वाले आते हैं, वो सिर्फ business activity वाले creditor आते हैं. Other than business activity वाले creditor other current liability में आएंगे. लिखोगे खुद से? लिखो बेटा लिखो. नाम वही आएगा, हेडिंग. हेडिंग कौन से हेड में जाएगा वो इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा सर हमने? क्रेडिटर्स दो प्रकार के हो गए. पहला क्रेडिटर कौन से? जो रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी हो गए, वो किसके हेड में आएंगे? ट्रेड पेबल. और अदर देन बिजनेस एक्टिविटी वाले अदर करंट लायबिलिटी. उसका एग्जाम्पल परचेज ऑफ असेट ऑन क्रेडिट. सिंपल. अरे समझा कि नहीं? लास्ट लायबिलिटी का लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. प्रोविजन हम डिस्कस कर चुके हैं, पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन से होंगे सर? एग्जाम्पल दीजिए. एग्जाम्पल लिखे हुए थे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, जो कि मुझे विद इन 12 मंथ पे करने हैं. समझा कि नहीं समझा? तो आप लिख लीजिए ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में. एक ही एग्जांपल लिख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोविजन के बगल में लिख लो AS 29, AS 15, AS 22. बहुत सारे AS है जो इस शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ऊपर लगने वाले हैं. 29, 15, 22, AS 19. 29 talks about general provisions, general. 15 talk about employee provisions, employee के रिस्पेक्ट में अगर कुछ पे करना है within 12 month. 22 talks about tax के provisions, जो मैंने example लिखवाया. 19 talks about rent वाले provision, lease rent, भाड़ा, किराए पर लिया तो पे करना है. तो they talks about AS 19 leases. बहुत सारे AS इसके अंदर आएंगे. बेटा आपको अभी तक जितनी मैंने terminology बताई वो सबको समझ में आई कि नहीं? बोलो जी, सबको जमी कि नहीं जमी? इसमें कोई डाउट? पूछ पूछ, तेरे मन में है, पूछ. कोर्ट केस है. देख तू ना क्वेश्चन पूछते वक्त तू सबसे पहले तो ना डिसाइड मत कर ले. जैसे तूने पूछा कि सर कोर्ट केस चालू है तो वो कंटिन्यू लायबिलिटी हो गया, नहीं ये तू डिसाइड मत कर, ये पहले पूछ, क्योंकि हो सकता है तू गलत सोच रहा हो. जैसे तूने बोला सर कोर्ट केस चल रहा है तो वो कंटिन्यू लायबिलिटी हो गया, वो तू पूछ पहले कि सर केस चल रहा है तो सर ये इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि तू क्वेश्चन पूछते वक्त ही गलत क्वेश्चन पूछ रहा है. समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो तेरा क्वेश्चन है कि सर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस चल रहा है हमारे ऊपर, तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, यही तेरा क्वेश्चन था. हाँ सर, मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है जिसको लिटिगेशन बोलते हैं, और मैं उसको क्या मानूं? अगर प्रोबेबिलिटी मेरे हारने की ज्यादा है, सुनना, अगर प्रोबेबिलिटी मेरे हारने की ज्यादा है, इसका मतलब मुझे पे करना पड़ेगा पेनल्टी. अगर मेरे प्रोबेबिलिटी हारने की ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, मतलब मुझे पे करना पड़ेगा. मुझे कितना पे करना पड़ेगा वो सर्टेन है, तो वो हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी. सर्टेन नहीं है तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो एस्टीमेट करना पड़ेगा. समझा कि नहीं? अगर मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी 50% से कम है, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है,
तो इसका मतलब मुझे पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, मुझे मुझे क्लेम पे नहीं करना पड़ेगा, मुझे कॉम्पनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा, तो मैं उसको बैलेंस शीट के अंदर ना करके मैं उसको बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में दिखाऊंगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कहां दिखाऊंगा? सिर्फ डिस्क्लोज करूंगा, उसकी एंट्री पास नहीं करूंगा। जो भी चीज बैलेंस शीट के अंदर नहीं आई, बैलेंस शीट के बाहर आई, उसको सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं, उसकी एंट्री नहीं करते हैं। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो मैंने किस पे फोकस किया अभी? प्रोबेबिलिटी पे। किस पे फोकस किया बेटा? प्रोबेबिलिटी पे। हाँ हाँ, लिख ले दीवार पे लिख ले, सब चाट ले तू दीवार को। नहीं, चाट ले बोला, क्या कर रहा है? जानू आई लव यू लिख रहा है तू? क्या लिख रहा है? जो बाथरूम में लिख के आते अपन, वही लिख रहा है? सुन ले भाई यार, सीधा बैठ। हाँ, क्या नाम है तेरा? डेमो। सुन ले बेटा मेरे भाई, है ना, वो पीछे दीवार पे लिखता जा रहा है, शी लव्स मी नॉट। क्या कर रहा है तू यार? बेटा कुछ नहीं होना जाना, शी विल लव यू और नॉट, उससे कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता। एक बार शादी भी हो गई, उसके बाद तेरे को लौकी टिंडे भिंडी खिलाएगी। चलो, क्लियर होगी नहीं? ऑल राइट, यहां तक बातें सबको क्लियर है कि नहीं? सर अब ना हमारे थोड़े से हाथ पैर चलवाओ। ठीक है, हाथ पैर चलवाते हैं, आइए कुछ बातें करते हैं कैलकुलेशन वाली, जिसमें कैलकुलेटर का उपयोग होगा। हाँ सर, हाँ हम तो वेट कर रहे थे सर थोड़ा सा ना सुन के दिमाग पक गया है सर, कुछ करवाओ सर, कैलकुलेशन करवाओ सर, आ जाओ। द कोर्ट दैट कोर्ट केस कैन वी रिकॉर्ड इन प्रोविजन, बोला तो सही बेटा। अगर प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है हारने की तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करना पड़ेगा? सर्टेन नहीं है तो प्रोविजन बनाऊंगा। आशुतोष, शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट और वारंट का डिफरेंस बताओ। वारंट में अभी तक शेयर इश्यू हुआ ही नहीं है, फ्यूचर में इश्यू होगा। शेयर एप्लीकेशन मनी के अंदर वो शेयर इश्यू लगभग हो गया, बस अलॉटमेंट नहीं हुआ, उसके अकाउंट में डाला नहीं है, तो दोनों का पर्पस अलग अलग है। नहीं, इक्विटी में ही होंगे, लीगली लॉ के द्वारा वो इक्विटी में ही होंगे, वो प्रेफरेंस में नहीं होंगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। सर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व तो रिजर्व है, पर उसकी ऑब्लिगेशन है ना, वो नाम ही गलत है ना, तुम नाम ही गलत ले रहे हो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व नहीं होता है। सर वो हमने देखा था, किताब में लिखा हुआ था, गलत लिखा हुआ था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होता है, वो रिजर्व नहीं होता। कंसेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक लिखिए बेटा, कुछ कैलकुलेशन आपको करने को दे रहा हूं, मुझे आपको सॉल्व करवाने कुछ चीजें लिखिए। ओपनिंग स्टॉक 0, गुड्स परचेज्ड, लिखना है बेटा, हाँ, गुड्स परचेज्ड 1 लाख, गुड्स परचेज्ड 1 लाख, ऑफकोर्स ये कॉस्ट है। सेल, $90,000, ऑफकोर्स ये सेल्स प्राइस है। ब्रैकेट में
75% ऑफ परचेज्ड गुड्स आर सोल्ड. बहुत लंबी बातें करनी है मुझे, तो आज के दिन में यही वाला पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद कुछ बात करने को टाइम मिलेगा नहीं. क्लोजिंग स्टॉक 21,000. सर क्या लिख रहे हो? सर जो लिखा है लिख पर सॉल्व करके दो. जो भी लिखा है सॉल्व करके. सर आपने गलत लिखा है. नहीं सही लिखा है. आपको उसमें जो भी ठीक लगे वो देख लेना. मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दो. जीपी. अच्छा चलो एक और चीज बता दूं. नहीं नहीं बताऊंगा बस. क्या गलत? गलत 11,000 नहीं है. पहले ही बोल देता हूं 11,000 नहीं है. 11,000 नहीं है आंसर. 7 नहीं. द आंसर इज 15,000. द आंसर इज 15,000. 15,000 15. मैंने बोला कि आंसर 15 है. कितने बच्चों का आया 15? ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो. 15 आना चाहिए. ट्रेडिंग प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. सर आपने तो बोला ट्रेडिंग अकाउंट आज के बाद नहीं बनाएंगे कंपनीज एक्ट. नहीं नहीं तुम अपना फाउंडेशन वाला ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. 15,000 ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी आ रहा है. अभिलाष, यामिनी, सौम्या, शुभम, चिंतन, सानिका, नवल, रिद्धि, राधिका एंड सो ऑन. क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट सही है. अभी बोलो कितने बच्चों का आ गया? 15. 15 कितने लोगों का आया वो हैंड रेस करें प्लीज. अलॉन्ग विद द ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए. ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने कर लिया हो सब कुछ चीजें. कुछ बच्चों ने शॉर्टकट लगाया है पर ट्रेडिंग नहीं बनाया तो मैं नहीं मानूंगा. भले शॉर्टकट से आ गया होगा. शॉर्टकट से कैसे आया होगा बच्चे बोलेंगे और वो सही बोल रहे हैं ऐसा नहीं. पर मुझे शॉर्टकट नहीं चाहिए, मुझे ट्रेडिंग के साथ चाहिए. क्यों सर? 75% ऑफ द परचेज गुड्स आर सोल्ड. सर हमने 1,00,000 का 75% किया, ये आया 75,000. 75,000 के गुड्स बेचे 90 में, 15,000 प्रॉफिट. बिल्कुल सही, लॉजिकली सही. पर मुझे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चाहिए, मुझे ट्रेडिंग के अंदर चाहिए. अगर आप इस चीज से बोल रहे हो तो आप हाफ सही हो. हाफ सही बोला मैंने. 75,000 यही तो दिमाग चलाना है बेटा मुझे, यही तो कंसेप्ट पढ़ाना है ना. हाँ तो 40 मिनट मुझे एसी में देने हैं.
यस, ऑनलाइन स्टूडेंट से इंपॉर्टेंट एक चीज बोलूंगा, स्पैमिंग मत करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। एक बार अपना आंसर लिखो, बार 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 मत लिखो, मैं ब्लॉक कर दूंगा, लिटरली बोल रहा हूं। बाद में ना आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे। स्पैमिंग मत करिए, चार चार पांच पांच बार सेम बार 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 चैट कर रहे हो। चार हजार का लॉस हुआ, प्रॉफिट आ रहा है 15 का यार। चलिए सुनिए, अच्छा वैसे ट्रेडिंग नहीं आ रहा है, किसका ट्रेडिंग के अंदर 15 आ रहा है? वेरी गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड, चलो हैं बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट टैली होना चाहिए, क्रेडिट डेबिट। सुनिए, बेटा प्लीज सुनिएगा, मस्ती मजाक नहीं। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आप सुबह उठे, आपका बर्थडे था, आप अपने घर पे हो, आपका बर्थडे है, आपने अपना पर्स देखा, पर्स में कुछ नहीं, पर्स में कुछ नहीं, प्लीज आपने अपना पर्स खोला, पर्स में कुछ नहीं। गए आप अपने पेरेंट्स के पास, आपने पेरेंट्स को बोला 10 रुपए चाहिए, बात को मेरी ध्यान से सुनिएगा, आपने बोला 10 रुपए चाहिए, बाहर जाके खर्च करना है, बर्थडे है मेरा, 10 रुपए से पार्टी करूंगा। 10 रुपए मिले, पर्स में डाले, पर्स रखा जेब में, तैयार हुए, घर के बाहर निकले, घर के बाहर निकले, पार्टी करी, कुछ पैसा खर्च किया, कुछ खाया पिया। जब खाया पिया तो 7.5 रुपए खर्च कर दिए, 7.5 रुपए खर्च कर दिए। घर वापस आए, पर्स खोल के देखा, 2.10 रुपए निकले, पर्स खोल के देखा, 2.10 रुपए निकले। ध्यान से देखा तो मिला कि पर्स की एक पॉकेट फटी हुई थी, कुछ पैसे गिर गए रास्ते में। शॉर्टेज, लॉस ऑफ स्टॉक, मैंने अभी जो भी चीज बोली, कुछ कुछ हल्का हल्का, मैं 100% एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ समझ आ रहा है मैं क्या आपको इशारा कर रहा हूं? Yes, क्या इशारा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, इतने बच्चे बोल रहे हैं सर लॉस है, गलत लिखा है। पहले ध्यान से सोचो कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं धंधा कर रहा हूं, मेरा कुछ गुड्स लॉस्ट भी तो हो सकता है, कुछ गुड्स गुम भी तो हो सकता है, कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय भी तो हो सकता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग स्टॉक कितने थे, कितना परचेज किया, 1 लाख में से कितने के गुड्स चले गए, कितने मतलब 75, कितने बचने चाहिए पर कितने एंड में बचे, तो इसका मतलब 4000 का क्या आया, शॉर्टेज, गुड्स शॉर्टेज मतलब गुम हो गए, क्या हो गए, गुम हो गए। कुछ आया समझ में कि नहीं? पहले कैलकुलेशन बात करेंगे अपन, डेबिट क्रेडिट क्या होगा क्या नहीं होगा, ट्रेडिंग में किधर आएगा क्यों नहीं आएगा, वो बात की बात है। 4000 को मैं क्या बोलूंगा, शॉर्टेज, क्या बोलूंगा बेटा? तो चलिए पहले अपन उसकी शॉर्टेज की वर्किंग करेंगे। लिखिए, ओपनिंग स्टॉक 0 प्लस परचेजेस 1 लाख, टोटल गुड्स 1 लाख, टोटल गुड्स 1 लाख, टोटल गुड्स 1 लाख में से कुछ गुड्स सेल कर दिए, कुछ गुड्स सेल कर दिए जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट मुझे चाहिए, सेल वैल्यू नहीं चाहिए, कुछ गुड्स सेल किए जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए, उसको प्यार से हम बोलेंगे COGS, फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बिके उनकी कॉस्ट, जो गुड्स बिके उनकी सेल तो 90 है पर उनकी कॉस्ट कितनी है, 75, तो बोलेंगे COGS। कितना आया COGS? 75।
एक लाख में से सीओजी है 75, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड कितना बचा 21. अरे यार अभी भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसको बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर शॉर्टेज ऑफ गुड्स, मतलब गुम हो गए. शॉर्टेज ऑफ गुड्स कितना 4000. शॉर्टेज ऑफ गुड्स 4000. जो भी आपको पढ़ा रहा हूं आपके सिलेबस से रिलेटेड है. चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंट्स और चैप्टर आएगा 10 मार्क का फ्लैट और उसमें ये कॉन्सेप्ट भर भर के आपको मिलेगा और वो चैप्टर आपको बाद में पढ़ाऊंगा पर मैं याद दिलाऊंगा कि बेटा तीसरी क्लास के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे. एंड आई कैन चैलेंज सिर्फ 20% लोगों को याद आएगा, बाकी सब भूल भी जाओगे. और ये तुम्हारे साथ नहीं बोल रहा हूं, पिछले 5 साल से देख रहा हूं ऐसा ही होता है. तो जितने बच्चे हो ध्यान से सुनना क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ब्रांच अकाउंट में आपको काम आने वाला है. मतलब कोई भी चीज इररिलेवेंट नहीं है, सब कुछ तुम्हारे चैप्टर से जुड़ी हुई है. शॉर्टेज ये सबको समझा कि नहीं? आगे आऊंगा ट्रेडिंग में कहां दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, लॉस है क्यों है, काइको है, सब बताऊंगा. यहां तक अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो. बोलो ना बच्चे, पूछो कि नहीं, डाउट है कि नहीं? चलो वेरी गुड. सर अभी ना हमें ना इसका प्रेजेंटेशन सिखाइए, इसको कहां दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका लॉजिक बताइए. चलिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, वही टी शेप ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ब्रांच अकाउंट जो चैप्टर है उसमें टी शेप ही बनने वाला है. ब्रांच अकाउंट जो आपका चैप्टर है उसमें टी शेप ट्रेडिंग अकाउंट आएगा. ट्रेडिंग अकाउंट चलिए शुरू से बोलो. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस 1 लाख, बाय सेल्स 75, 90, नीचे बाय क्लोजिंग स्टॉक 20, 1000, बाय शॉर्टेज. सर क्यों, रुक जाओ ना मैं बता दूंगा सब, पहले लिख लो क्योंकि लिखते साथ ही अगर डाउट आएगा तो वेट करो मेरा. पहले बाय शॉर्टेज 4000, निकालो जीपी 15000 आया. सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी 15000 आना चाहिए. जो हम पूछ रहे थे कि भाई ट्रेडिंग में अपन 15000 कैसे निकालेंगे, वो सामने आ रहा है और लॉजिकली 15 ही है क्योंकि हम जानते हैं कि हमने 75,000 के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 90 में बेचे हैं, तो 15,000 लॉजिकली प्रॉफिट सही है. अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर ये यहां क्यों लिखा, इसी पर मुझे चर्चा करनी है और उसके बाद मुझे आगे की चर्चा और करनी है. सर शॉर्टेज यहां क्यों लिखा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान शब्दों में सुनो, अब लिखना मत. जिन बच्चों को पहले से ही पता है वो सुन लीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मौका दीजिएगा. शॉर्टेज 4000 क्यों लिखा? बेटा बहुत इजी सिंपल चीज बताऊं, ट्रेडिंग अकाउंट को ना एक तरीके से तुम इनफ्लो आउटफ्लो अकाउंट मानो, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ गुड्स, सीधा एक ही चीज है. अगर इनफ्लो आएगा तो डेबिट साइड, आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड, सिंपल सा लॉजिक है. गुड्स आया तो डेबिट साइड, मैं ना अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा. पहला तरीका इनफ्लो, गुड्स आया डेबिट साइड, गुड्स गया क्रेडिट साइड. तो मुझे बताओ गुड्स आया मतलब परचेस, परचेस मतलब गुड्स आया, ठीक है इनफ्लो. गुड्स गया कैसे कैसे गया, सेल होके गया तो इसलिए आउटफ्लो. बोलना बेटा, गुम हो गया तो भी तो गया, गुम हो गया तो भी तो क्या हुआ, आउटफ्लो, तो इसलिए बाय शॉर्टेज. कुछ आया समझ में कि नहीं? ये था पहला तरीका. मैं अलग अलग अल्टरनेटिव तरीके बताऊंगा ताकि आपका दिमाग थोड़ा खुले. पहला तरीका इनफ्लो आउटफ्लो, गुड्स आया डेबिट साइड, गुड्स गया क्रेडिट साइड, सिंपल लॉजिक. दूसरा तरीका ध्यान से सुनना, इनफ्लो आउटफ्लो छोड़ दो,
मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा है पहले कभी? व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? हम जब भी कोई इनकम अर्न करते हैं, उस इनकम को अर्न करने के लिए कितना एक्सपेंस हुआ है वो सेम पीरियड में दिखाना चाहिए, हाँ या नहीं? बोलो बेटा हाँ या नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कितने के गुड्स परचेज किए? एक लाख के गुड्स परचेज किए, ये सोच के कि अपन एक लाख के गुड्स बेचेगा। करंट ईयर में मैं एक लाख रुपए के गुड्स खरीद रहा हूं, मैं एक लाख के गुड्स बेचूंगा। क्या मैं एक लाख के गुड्स बेच पाया? नहीं। कितने बेच पाया? कितने? एक लाख में से कितने के गुड्स बेच पाया? तो मुझे सच्ची सच्ची बताओ, अगर मैंने गुड्स एक लाख के परचेज किए थे पर मैंने सिर्फ ट्रेडिंग में सिर्फ 75 की, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ 75 रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट कहता है कि तू जितने गुड्स की ट्रेडिंग करेगा तेरे को उतने ही यहां पर दिखाने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम जितने गुड्स परचेज कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ उतने ही गुड्स आने चाहिए जितने तुमने रियली में बेचे हैं। तुमने रियली में कितने बेचे हैं? सेवेंटी फाइव थाउजेंड। पर मैंने गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में कितना दिखा दिया? आप बोलोगे सर गलती क्यों? अभी मेरे शब्दों को बस सुनते जाओ। मैंने कितना दिखा दिया? 1 लाख। दिखाना कितना चाहिए था? 70। बताओ कितने गुड्स की ट्रेडिंग नहीं कर पाया? 25। उनमें से 25 की नहीं कर पाया तो मैं उनमें से हटा रहा हूं। मैं 25,000 को हटाना चाहता हूं। मैंने पहले 1 लाख को ट्रेडिंग के अंदर डाला, हाँ या नहीं? पर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार ट्रेडिंग तो सिर्फ 75 की हुई, तो 25 वापस निकालो। जब डाला था तो डेबिट, वापस निकालेंगे तो क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं? जब मैंने 1 लाख को डाला तो कितना हुआ? डेबिट किया। अब मैं वापस निकाल रहा हूं क्योंकि वो ट्रेड ही नहीं हो पाए ना। समझा कि नहीं? वो ट्रेड ही नहीं हो पाए तो उसको वापस निकालो। वापस निकालने गया तो सिर्फ 21,000 के ही गुड्स बचे। बोलो बेटा। तो मैंने उसको 21 को यहां से हटा दिया, क्लोजिंग स्टॉक 21 को मैंने यहां से हटा दिया। कुछ आया समझ में कि नहीं? फिर मैंने बोला अरे यार 4,000 की गुड्स की भी तो ट्रेडिंग कहां हुई, वो तो गुम हो गए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप समझिए, अगर मैं यहां पर ये ना लिखता, तो कहीं ना कहीं मेरा जीपी यहां पर गलत आता, 11 आता कि नहीं? जबकि क्या मैंने सचमुच में 11 कमाए हैं? सर आपका 4 का नुकसान भी तो हुआ है। अरे हाँ हुआ है, पर सेल करने पर कितना फायदा हुआ है? सेल करने पर 15 का फायदा हुआ है कि 11 का फायदा हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट का एक ही उद्देश्य है, सेल करने से जो प्रॉफिट होगा तुझको सिर्फ वही दिखाना है। अदर एक्टिविटी में जब कोई तेरे को नुकसान हो गए उसको तू यहां से निकालकर नीचे पीएनएल में लेके जा, उसको तू यहां से हटा और पीएनएल में लेके जा अलग से। पर ट्रेडिंग अकाउंट में तेरा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सेल के ऊपर दिखना चाहिए। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? वापस से, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं सिर्फ उतने ही गुड्स दिखाऊंगा जितने की मेरे गुड्स बिके हैं, जितने की मैंने ट्रेडिंग की है। क्या मैंने ट्रेडिंग 1 लाख के गुड्स की है? मैंने कितने के गुड्स की ट्रेडिंग की है? 75। तो मेरे ट्रेडिंग में कितना इंपैक्ट आना चाहिए? 75 का? 75 का आना चाहिए कि नहीं? बेटा तभी तो, जब तक 75 का इंपैक्ट नहीं आएगा तब तक मैं उसको 90 से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं 90 से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा तब तक मेरा 15,000 का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा। तो मुझे अपने ट्रेडिंग में 1 लाख में से सिर्फ नेट इफेक्ट कितने का दिखाना है? 75 का, क्योंकि मैंने 75 की ट्रेडिंग की है। कुछ आ रही है बात समझ में कि नहीं? अच्छा दूसरा तरीका, एक सेकेंड मैं यहां पर होल्ड कर रहा हूं। आपने COGS बोला, फुल फॉर्म? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ COGS? कुछ बच्चे शायद जानते होंगे कुछ नहीं। COGS मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेज। मैं डायरेक्ट एक्सपेंस छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, ये फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस
परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं? सीओजीएस। और ये आपके मैचिंग प्रिंसिपल को ठीक फिट करता है। ये मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से आप निकालते हो, पता है क्यों? अगर मैंने 75 के गुड्स बेचे हैं, अगर मैंने 75 के गुड्स बेचे हैं 90 में, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये 90 में बेचने के लिए कहीं ना कहीं इसका रियल कॉस्ट कितना था, तो मेरे ट्रेडिंग में दिखना भी कितना चाहिए। तो ध्यान से तुम अपने ट्रेडिंग को देखो, ध्यान से तुम अपने ट्रेडिंग को देखो। यहां मैं वापस लिख देता हूं 15, यहां मैं शॉर्टेज लिख देता हूं 4। ध्यान से देखो, ओपनिंग प्लस परचेस आया कि नहीं, माइनस इन दोनों को करो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस ये। मन की आंखों से देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, 75 दिख रहा है। इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा बना सकता हूं, सीओजीएस 75 सेल 90। मन की आंखों से सोचो ऐसा हो सकता है कि नहीं। When I am writing COGS, that means I am writing what? I am writing opening. I am writing? I am writing shortage. I am writing closing stock. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको समझो, ये matching principle की बात कर रहा हूं मैं। This totally reflect the matching concept. Matching concept क्या बोलता है? Matching concept क्या बोलता है? जितनी तुमने इनकम कमाई है, उस इनकम को कमाने के लिए उसी के लिए खर्चे कितने किए थे? बोलो बेटा, खर्चे कितने किए थे? सर खर्चे तो 1,00,000 किए थे ना, अबे बाकी के बच गया ना पैसा, बाकी का तो बच गया ना। कुछ आया समझ में कि नहीं? तो जो बच गया वो खर्चा नहीं होता माय डियर, जो बच गया वो मेरी संपत्ति है, वो मेरी असेट है, वो मैं उसको असेट बताऊंगा, मैं उसको बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं? क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक आखिरी चीज तरीके से फिर से एक मैं पूरा कॉन्सेप्ट में वापस से समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आज मैं ये कैलकुलेटर परचेज करके आया, ये कैलकुलेटर परचेज करके आया बेचने के पर्पज से, मैं कैलकुलेटर परचेज करके आया बेचने के पर्पज से, सुनना ध्यान से। कैलकुलेटर 10 यूनिट्स मैंने परचेज किए, मैंने 10 यूनिट्स परचेज किए ताकि मैं उसको सेल करूंगा। ड्यूरिंग द ईयर मैं एक भी कैलकुलेटर सेल नहीं कर पाया, एक भी कैलकुलेटर सेल नहीं कर पाया। तो कैलकुलेटर अभी मेरे पास ही है, बोलो ईयर एंड पे कैलकुलेटर मेरे पास ही है। ये कैलकुलेटर क्या है? मेरा एक्सपेंस है कि मेरी असेट है? असेट। क्यों? क्यों सर? ये अगले साल बिकेगी तो अगले साल की सेल होगी, बोलना बेटा। फ्यूचर में बेनिफिट होगा कि नहीं? yes, पक्का? yes, अगला साल आया, अगला साल आया, कैलकुलेटर सारे के सारे बिक गए। अब मेरी ये असेट है कि नहीं? yes, अब मेरी असेट है कि नहीं? yes, असेट खत्म हो गई। yes, जब तू असेट को खत्म कर रहा है तो तू उसको वापस से ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के ओपनिंग स्टॉक दिखा रहा होगा, क्योंकि ये कैलकुलेटर अगले साल चला गया था। yes, तो वो ओपनिंग स्टॉक में दिखेगा कि नहीं? मतलब यह हुआ कि जब मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूं, जब मैं चीज परचेज कर रहा हूं तो टेक्निकली वो मेरी असेट है, पर जब वो चीज बिक जाएगी तो मैं उसको मैचिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए उसको एक्सपेंस बना दूंगा। कोई ना कोई असेट कभी ना कभी एक्सपेंस बन जाएगी। असेट मतलब फ्यूचर में बेनिफिट होगा, और एक्सपेंस मतलब वो फ्यूचर आ गया और बेनिफिट मिल गया। तो जब तक बेनिफिट मिलना था, कौन है भाई? हेलो, जब तक बेनिफिट मिलना था तब तक मैं बोलूंगा कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब असेट। बेनिफिट मिल गया
मतलब एक्सपेंस. आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोल बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं? मैचिंग प्रिंसिपल से उसके अगेंस्ट एक्सपेंस दिखाऊंगा ना, समझा? मैं पूरा दोबारा ही बोलने वाला हूं, डोंट वरी, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा. आज भले 8 बज जाए 8:30 बज जाए, आराम से सुनो प्लीज. जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं छोड़ूंगा भी नहीं. आराम से रुक जाओ. अच्छा बेटा एक बात बता कि अगर हम बिल्डिंग परचेज करते तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते? Yes. नहीं लगाते? Yes. अभी लैंड की बात थोड़ी की, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं. तू भी मतलब संजय दत्त बन रहा है? नहीं. मैंने बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग इज व्हाट? ठीक है, बिल्डिंग इज व्हाट? असेट. मैंने एक साल बिल्डिंग को यूज किया, मैंने ये बिल्डिंग परचेज किया 10 लाख का, मैंने एक साल बिल्डिंग को यूज कर लिया, बिल्डिंग को क्या किया? टोटल मिला के बिल्डिंग की जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है. कितने ईयर्स है? 10 ईयर्स के हिसाब से क्या लगता है 10 लाख का बेनिफिट मुझे 10 साल में होगा? अब मैं कुछ साइंटिफिक चीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बिल्डिंग की लाइफ 10 साल है. 10 साल बाद ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी. 10 साल बाद ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगी. अरे व्हाट्सएप में से 10 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी तो बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, ऐसा मान के चलो. ठीक है, तो मैंने बिल्डिंग कितने की खरीदी? बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? अब बिल्डिंग मानो, कार मानो, व्हाटएवर, प्लीज 10 साल पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, मेरे एग्जांपल पे कॉन्सेंट्रेट करो. सामने वाला 10 साल बोल रहा है, 10 साल में कैसे खत्म हो जाएगी? अभी 15 मिनट बचे, तो इसीलिए पॉइंट ये है कि आप कॉन्सेंट्रेट करो. असेट मेरी 10 लाख की है, कितने साल यूज होगी? तो इसका मतलब कितने साल मुझे बेनिफिट मिलेंगे? 10 साल बेनिफिट मिलेंगे पक्का? तो अगर बेनिफिट मुझे 10 साल तक मिलेंगे तो उसके अगेंस्ट मैचिंग करते हुए मुझे एक्सपेंस भी 10 साल में धीरे धीरे दिखाना है. बोलो कि नहीं? अब मुझे बताओ, अगर मेरा पहला साल हो गया, 1 ईयर डन, पहला साल हो गया, तो क्या मैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा? कितना? 1 लाख. अरे 10 लाख डिवाइड बाय 10 कर दो, कितना लगाऊंगा? 1 लाख. डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा. डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा. मैं यही बात आपको थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तूने कोई ना कोई असेट बनाई है तो तेरे को फ्यूचर में कभी ना कभी उसको राइट ऑफ करके एक्सपेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. समझने की कोशिश कर मेरे भाई कि पहले कभी ना कभी वो तेरे पास असेट थी, पर जैसे ही तेरे को बेनिफिट मिलता जाएगा वो असेट एक्सपेंस में बदलता जाएगा. बात समझ में आ रही कि नहीं? सर क्यों एक्सपेंस में बदलेगा? क्योंकि तेरे को बेनिफिट्स भी तो मिल रहे हैं, और बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो जब तेरे को बिल्डिंग से बेनिफिट मिले तो तेरे ट्रेडिंग में वो बेनिफिट किस फॉर्म में अराइज होंगे? तो उसके अगेंस्ट तेरे को मैचिंग करके क्या दिखाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन. मैचिंग प्रिंसिपल हुआ कि नहीं? क्योंकि जब तूने बिल्डिंग यूज की थी तो तेरी बिजनेस में सेल बढ़ी तो तेरे को इनकम हुई. मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है भाई ये इनकम कमाने के पीछे तूने बिल्डिंग भी तो खरीदी थी, और बिल्डिंग खरीदी तो तू बस बोल रहा है कि बस सेल हुई और डेप्रिसिएशन कुछ नहीं, बस यही मेरी इनकम है. भाई इनकम कमाने के लिए तेरे को बिल्डिंग खरीदनी पड़ी. हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू यहां पूरी पूरी बिल्डिंग दिखा दे. कभी तुमने यहां पर पूरी बिल्डिंग 10 लाख की दिखाई है क्या? क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं ऐसा कर लेता हूं पूरा बिल्डिंग आज पहले साल में ट्रेडिंग में डाल दूं, पीएनएल में डाल दूं, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों सर? बिल्डिंग से मुझे 9 साल सेल और आएगी. अरे 9 साल की सेल और तो आएगी ना, तो मुझे बिल्डिंग पूरा अभी डालना चाहिए कि बिल्डिंग मुझे थोड़ा 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 पेंट में डालना चाहिए? थोड़ा थोड़ा पेंट में डालना चाहिए. समझा कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब तुम कोई भी असेट खरीदते हो तो कभी ना कभी उसका फाइनल डेस्टिनेशन पेंडल होता है? बोलना बेटा. तो तूने अगर असेट खरीदा तो वो कहीं ना कहीं पेंडल में आएगी.
पीएनएल में कब आएगी? जब तेरे को बेनिफिट मिल गया, और अगर बेनिफिट अभी तक नहीं मिला तो वो असेट पड़ी रहेगी। अब मुझे बता, पहला साल हुआ तो बेनिफिट कितना मिला? एक ही साल के बराबर। तो तू एक्सपेंस भी कितना दिखाएगा? तो 9 साल का बेनिफिट अभी तेरे को मिलना बाकी है, तो बैलेंस शीट में अभी कितनी असेट दिखेगी? 9 लाख। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं यहां तक? येलो टी शर्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब मैं बिल्डिंग की जगह दूसरी चीज बोल रहा हूं, बिल्डिंग की जगह मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं। मुझे बताओ, मैंने 10 कैलकुलेटर परचेज किए, एक कैलकुलेटर की कॉस्ट 100 रुपए, 100 रुपए पर, तो बताओ कुल मिला के कितने हुए? 1000 परचेज किए, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट नहीं मिला तो कोई सेल हुई? सेल नहीं हुई तो क्या मैचिंग करके मुझे एक्सपेंस दिखाना चाहिए? नहीं। तो पूरा का पूरा कहां जाएगा? असेट, बैलेंस शीट के पास जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मैंने कितने के गुड्स परचेज किए? 1000 रुपए। तुम लोगों ने रटते रटते आज तक तुमने क्या दिया, क्या किया है ट्रेडिंग में? परचेज डाल दो 1000, तुमने खर्चा दिखा दिया। पर अभी अभी तुमने मुझे जवाब क्या दिया कि कायदे से यह कहां दिखना चाहिए? असेट दिखना चाहिए ना, क्योंकि क्या ये कैलकुलेटर मेरे सेल हुए? नहीं। अगर सेल नहीं हुआ तो क्या मैचिंग के अगेंस्ट आपका एक्सपेंस दिखना चाहिए? नहीं। दिखना चाहिए क्या? नहीं, नहीं दिखना चाहिए। इसलिए तुम वापस से हटा रहे हो और बाय क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हो 1000। समझो मेरी बात को? Yes, अब क्लियर हुआ कि नहीं? सो प्रॉब्लम यह है कि तुमने क्या कर दिया था। बिजनेसमैन क्या कर रहा है? बिजनेसमैन जब कैलकुलेटर परचेज कर रहा है तो वो ये सोच रहा है कि कैलकुलेटर तो बिक जाएंगे ना, तो खर्चा मान लो ना। पर बाद में उसको रियलाइज हुआ कि कैलकुलेटर तो बिका ही नहीं, तो गलती से मैंने खर्चा मान लिया। खर्चे को हटाओ, वापस से असेट बनाओ। कुछ आया समझ में कि नहीं? सो व्हाई वी शो दिस क्लोजिंग स्टॉक हेयर, व्हाई वी शो दिस क्लोजिंग स्टॉक हेयर, व्हाट इज द लॉजिक? सर गलती से परचेस मान लिया था, सेल हुआ नहीं है, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस भी जीरो होना चाहिए, पर गलती से एक्सपेंस 1000 हो गया। तो उस एक्सपेंस को हटा के वापस से असेट बनाओ। नहीं समझा? एक्सपेंस को हटा के वापस से असेट बनाओ। एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है, असेट का भी डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंस को हटाओ क्रेडिट, और असेट को बनाओ डेबिट। कुछ आया समझ में कि नहीं? इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो हम एक्सपेंस को रिवर्स करके और क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं, मतलब उसको लात मार के बैलेंस शीट में बुलाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? कि यहां से हट और बैलेंस शीट में जा। क्यों जा? क्यों जा? क्योंकि तू अभी बिका ही नहीं है, तू मेरा असेट है। अगर तू बिक जाता तो तू मेरा खर्चा बन जाता। नहीं समझा? नहीं तो नहीं समझा? नहीं नहीं तो नहीं समझा? समझा? अभी बात खत्म नहीं हुई। ये कहां चला गया? एक सेकेंड, ये कहां चला गया? बैलेंस में चला गया। अब ये अगले साल बिकेगा? बोलना बेटा। अगर ये अगले साल बिकेगा तो अगले साल सेल होगी। अगर अगले साल सेल होगी तो उसको मैच करते हुए मुझे एक्सपेंस भी दिखाना चाहिए। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक अगले साल डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक। अब समझा कि नहीं? तो व्हाई वी यूज क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड? सर समझ आ गया पर बोलना नहीं आ रहा है सर। व्हाई वी यूज क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड? सेल इज नॉट येट डन। If the sale is not yet done, then according to matching principle, it should not be expense. Yes, but I have wrongly charged as expense. Yes, I need to pass the rectification entry. Yes, rectification? Yes, foundation? Yes, rectification में क्या करेंगे? गलती से expense book कर लिया। Expense को हटाओ, asset को दिखाओ। So can I say कि closing stock दिखाना as good as rectification? Yes, clear हुआ? अगले साल ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? बिकेगा?
अब ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक अलग के साथ बिकेगा, बिकेगा तो सेल होगी, सेल होगी तो मैचिंग प्रिंसिपल होगा, सेल के अगेंस्ट मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे एक्सपेंस दिखाना चाहिए। इसीलिए ये जो असेट बना लिया था उसको वापस से एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। तो जो इस साल असेट बनाई थी अगले साल उसको असेट से वापस उठा के किधर लेके आना पड़ेगा, एक्सपेंस में। पर वो परचेज नहीं दिखेगा, वो ओपनिंग स्टॉक दिखेगा। समझ में आएगी नहीं? नाउ फाइनल कम टू द कंक्लूजन कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में शॉर्टेज क्यों आया। वही सेम रीजन कि सर 1,00,000 के गुड्स परचेज किए थे। अब मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए वर्ड टू वर्ड, कितने गुड्स परचेज किए थे? टेक्निकली जब तक ये 1,00,000 के गुड्स बिके ही नहीं है, कुछ भी नहीं बिका है, आपका 1,00,000 एक्सपेंस है कि एसेट है? पर गलती से आपने उसको ट्रेडिंग में डाल दिया, मतलब आपने गलती से 1,00,000 एक्सपेंस मान लिया, हाँ या नहीं? अब मुझे बताओ इसमें से कितने गुड्स सच्ची मुच्ची बिक गए? 75। तो सेल 75 वाले की हुई है, तो एक्सपेंस भी कितना दिखना चाहिए? बाकी आपका हटना चाहिए यहां से, तो कितना हटना चाहिए? 25 हटना चाहिए। जब वापस निकालने गए तो थे ही कितने? 21 तो कम से कम है ना, 21 अगले साल बिकेंगे ना। जब अगले साल बिकेंगे तो मेरे लिए वो असेट हुई कि नहीं? तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितनी मान ली? असेट 21,000। सर पर 4,000 तो गुम हो गए, 4,000 तो गुम हो गए सर, उसको असेट तो बना नहीं सकता, वो तो नुकसान हो गया, और नुकसान जाता है P&L में, तो उसको ट्रेडिंग से हटाओ और P&L में डालो। समझा कि नहीं? तो जो शॉर्टेज मैंने यहां दिखाई है, उसका मतलब यह हुआ कि मैं उसको यहां पर शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस 4,000 दिखाऊंगा। सर इसका मतलब यह हुआ कि शॉर्टेज नुकसान तो है पर उसकी जगह गलत है, उसको यहां से निकालो और कहां डालो। अब लॉजिक समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? गाइस 4 मिनट मेरे हक के बचे, नहीं जाने दूंगा। पहले मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो अभी सेल नहीं हुआ तो उसका हक नहीं बनता कि मैं उसको खर्चा दिखाऊं। खर्चा हटाओ, असेट बनाओ, क्योंकि फ्यूचर में बिकेगा। फ्यूचर में बिकेगा तो मेरी संपत्ति हुई, फ्यूचर में फायदा देगी। पर मैंने गलती से उसको, बोलो ना यार, गलती से उसको एक्सपेंस मान लिया परचेज करते टाइम। अब मैं वो गलती ठीक कर रहा हूं, वो गलती मैं, इसीलिए मैं उसको एक्सपेंस से अपोजिट साइड हटा के मैं उसको यहां से बाहर निकाल रहा हूं, लात मार के, और उसको बोल रहा हूं जा बैलेंस शीट में। समझा? अगला साल आया, आ गया, बिक गए। जवाब दो। अरे जवाब दो। 21,000 की सेल हो गई, 21,000 की सेल 30,000 में हुई, 30,000 में। तो नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग आपका सेल में कितना दिखेगा? 30। पर वो क्लोजिंग स्टॉक तो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, लेके आओ वापस उसको। वो क्या दिख रहा है? असेट। अब उसको वापस मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसके इसके अगेंस्ट क्या दिखाना पड़ेगा? एक्सपेंस। तो क्या दिखाऊंगा? 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना मैचिंग हो गई ताकि प्रॉफिट दिखेगा। समझा कि नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक मतलब एक्सपेंस हटा के असेट क्रिएट करना, एंड ओपनिंग स्टॉक मतलब असेट हटा के एक्सपेंस क्रिएट करना। ये 2 लाइनें लिख के जाओ, नहीं तो नहीं छोड़ूंगा। वो दीदियों ने बैग डाल दिया था अपने कंधों पे, वाह बेटा वाह। दीदी को अभी इतना अखर रहा है कि देखो सर ने क्या बोल दिया। दीदी, ओ दीदी, लिखो। दीदी लिखने की एक्टिंग कर रही है, लिख नहीं रही है।
लिखो सर क्या लिखना था अबे सालों मैं क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू अब तो बोलो तुम तो बोलो एक्सपेंस तुम्हारी ऐसी तैसी एक्सपेंस था पर उसको एक्सपेंस हटा के एसेट बना रहे हैं तो लिखो अपनी भाषा में ही लिखना है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपेंस टू एसेट कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपेंस टू एसेट कोई पूछेगा सर एक्सपेंस कब हुआ बेटा टू परचेज डाल दिया था तो वह एक्सपेंस बन दिया था पर उसको वहां से हटा के असेट में डाल रहा हूं समझ में आया कि नहीं ओपनिंग स्टॉक अब तो बोलो कन्वर्जन ऑफ असेट टू एक्सपेंस कन्वर्जन ऑफ असेट टू एक्सपेंस असेट क्यों थी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस में जा चुका है अब वो क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बन गया और अगले साल बिक गया तो मैचिंग प्रिंसिपल चाहिए मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा एक्सपेंस तो उसको वापस बुला रहे हैं आजा क्लियर हुआ कि नहीं इसका मतलब पूरा खेल किसका है मैचिंग प्रिंसिपल पूरा का पूरा खेल है मैचिंग प्रिंसिपल समझा कि नहीं समझा थैंक यू सो मच दरवाजा खोलने से पहले बाय बोलना पड़ता है हर किसी को बाय बाय गाइस बाय बाय थैंक यू सो मच बाय 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 सर पे मत खड़ा रहे बैठ जा भाई मैं हूं अवेलेबल डाउट्स के लिए डाउट्स चाहिए तो पूछ लो पांच मिनट ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं हूं अवेलेबल पर पहले फेस टू फेस वालों के क्लियर हो जाए उसके बाद बढ़िया डिवीजन 3 वाले बैलेंस शीट्स फिर कौन बनाता है स्पेशल कंपनीज के डिवीजन 3 हां जब सीए नहीं बनाते तो और कौन बनाता सीए आपने तो डिवीजन 3 डिवीजन 3 मतलब बैंकिंग इंश्योरेंस हां पर अभी तक उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं बस बना के रख दिया है अच्छा डिवीजन 3 सेट करके रख दिया है पर अभी एप्लीकेबल किसी के ऊपर नहीं है क्योंकि 250 करोड़ के नीचे वाली कंपनियां भी तो है ना कल लिखवाया था तो 250 करोड़ के नीचे वाली कंपनियों के लिए पढ़ रहे हैं फाइनल में हम 250 के ऊपर वाली कंपनियों के लिए पढ़ेंगे हाँ सपोज हमने एक कार खरीदी 10 लाख की और 10 साल उस पे 1 लाख डिप्रिसिएशन है 10 साल में उसकी वैल्यू जीरो हो गई लेकिन कार वो फिर भी चल रही तो वो किसमें है एसेट में है फिर से बोलना सपोज हमने कार परचेस की 10 लाख की मतलब 10 साल में उसकी वैल्यू जीरो होगी लेकिन वो चल रही है 90 साल पर मैं बोलूंगा अरे यार कार तो अभी भी चल रही है तो मैं उसकी यूजफुल लाइफ को री एस्टिमेट कर दूंगा और बोलूंगा कि अब और कितना चलेगी 5 साल तो अब मैं बचे हुए वैल्यू को 5 साल में डिवाइड करूंगा द यूजफुल लाइफ शुड बी री एस्टिमेटेड लाइफ का री एस्टिमेशन मैंने असेट की वैल्यू नहीं बढ़ाई लाइफ को री एस्टिमेट किया AS10 किसी की बुक रह गई है तनिष कोई तनिष हाँ 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 तूने गुड्स जब परचेज किए थे तो 1 लाख की एंट्री क्या की होगी
परचेज टू कैश 1 लाख। तूने उस परचेज को ट्रेडिंग में डाला तो एंट्री क्या की होगी? ट्रेडिंग टू परचेज। मतलब अब वो 1 लाख कहाँ चला गया? ट्रेडिंग में। पर 4000 की गुड्स की ट्रेडिंग हो पाई क्या? नो सर। तो तू ट्रेडिंग से निकाल, तो एंट्री कर शॉर्टेज टू ट्रेडिंग 4। पर तूने शॉर्टेज तो डेबिट कर दिया, अब उसको कौन सी डेस्टिनेशन में लेके जाना है? पीएनएल। तो पीएनएल टू शॉर्टेज। तो अब मन की आंखों से देख, शॉर्टेज से शॉर्टेज कैंसिल हुआ, एंट्री क्या हो रही है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। मतलब जो शॉर्टेज को ट्रेडिंग से निकाल रहा है पी एंड एल में डाल रहा है। बोल बोल बोल। हाँ, नो, ड्राइंग हैज अ सेपरेट पर्पस। शेयर वारंट क्या होता है? अभी तो बताया। शेयर वारंट एक पेपर पे मैंने तुझे लिख के दिया कि तू जो मुझे पैसे दे रहा है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे फ्यूचर में इसके बदले शेयर इशू करूँगा। दिस इज अ प्रॉमिस। नहीं। और सर एक लॉन्ग टर्म बोरिंग का आपने बताया था ना कि जब मतलब उसको करंट लायबिलिटी मान लेते हैं उस साल में जो पे करना होता है, जो आपने एग्जांपल दिया था कि 10 लाख। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में नोट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। हाँ, 10 लाख की लॉन्ग टर्म बोरिंग ली थी, हर साल 1-1 लाख पे करना है, उस साल का होगा तो वो करंट लायबिलिटी बन जाएगी। विद इन 12 मंथ अगर दूंगा तो वो करंट बन जाएगी। अब मेरे को एक बात बताओ कि हम साल में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं। हाँ, 50-50 हज़ार। हाँ, तो ये है पहला साल, ये है दूसरा साल। हमने यहाँ मतलब एक सेकेंड बीच में। हाँ, ये बीच में अब यहाँ पर हमने पेमेंट करनी है तो ये वाली भी तो एक साल के अंदर अंदर हो रही है, तो हाँ, यहाँ पर एंट्री करेंगे या फिर सीधा ही एंट्री करेंगे? पॉइंट है कि तू बैलेंस शीट किस टाइम पे बना रहा है। जिस टाइम पे तू बैलेंस शीट बना रहा है उसके विद इन 12 मंथ में दो दो पेमेंट आ रहे हैं तो तू दोनों को करंट मानेगा। तू बैलेंस शीट कब बना रहा है? 31 मार्च को। तू बीच में बैलेंस शीट बना रहा है क्या? ना। पर सर लिस्टेड कंपनीज तो बीच में भी बैलेंस शीट बनाती है क्वार्टरली। तो जो कंपनी 30 सितंबर को बैलेंस शीट बनाएगी तो वो बोलेगी यार 30 सितंबर के बाद 6 महीने मतलब मार्च और उसके 6 महीने मतलब फिर से 30 सितंबर, तो 30 सितंबर में भी वो 50-50 को लायबिलिटी बनाएगी। मतलब पॉइंट क्या हुआ, जब भी बैलेंस शीट बनेगी वहां से 12 महीने, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने। अब तेरा हो गया? नहीं, शॉर्टेज बैलेंसिंग फिगर तो क्लोजिंग स्टॉक है ना राजा। बैलेंसिंग जो बच गया, बैलेंसिंग मीन्स बैलेंसिंग मीन्स जो बच गया। तेरे पास कितने बूट्स बचे? 4 के की 21 के ये हो गया ना। अरे दादाजी, तेरा नाम क्या है? मम्मी घर पे क्या बुलाती है? ओरो। तो हुआ क्या कि ओरो अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू आर्यन। कुछ समझ रहा है? मतलब जब मैंने उसको ट्रेडिंग में दिखाया तो शॉर्टेज नाम दिया, पर जब मैंने पी एंड एल में दिखाया तो उसको एबनॉर्मल लॉस बोल दिया। नाम अलग अलग है, वो एक ही चीज। ठीक है, अब जो जो की भीड़ हो गई तो मैं समझ रहा हूँ कि सबको डाउट है, तो जिसका डाउट हो रहा है वो पीछे चले जाओ। हाँ, नहीं आ पाएंगे, वो बाहर है। हाँ, धन्यवाद। हाँ बोलो, डाउट वाले बोलो। कल कॉन्सेप्ट आएगा, आज टाइम नहीं बचा, कल आएगा। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कल आएगा। तो प्रॉफिट तो फिर 11,000 कल आएगा। प्रॉफिट 11 तो भी नहीं होगा, कुछ और होगा, मैं बताऊंगा। कल आएगा वो एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट आएगा कल। ये अभी पेंडिंग है, मेरी तरफ से 20% पेंडिंग है, डोंट वरी। मेरे को नहीं पता, मैं लॉ नहीं पढ़ा था, बस एमएसएमई होता है वो। तू अगर अपने घर वालों के लिए पूछ रहा है तो तू लॉ पढ़ ले। देख, लायबिलिटी के अलग अलग हेड होते हैं। एक होती है लायबिलिटी, एक होती है प्रोविजन, एक होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब मैंने प्रोबेबिलिटी वाले सेंस में इसलिए बोला था कि भाई अभी वो होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर यहाँ लाइव
लायबिलिटी में इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि पैसा तो ले लिया है, अब वापस भी करना है, शेयर के रूप में वापस करना है कि कैश के रूप में वापस करना है, बस ये तय करना है। पर वापस करना तो 100% है ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी वापस करने की 100% है, पर 1% भी चांस कैश का है क्या, तो उसको इक्विटी ना मान के लायबिलिटी मानूंगा। सबसे पहले गुड्स परचेस किए, तो परचेस की एंट्री हुई परचेस टू कैश, फिर परचेस को तूने राइट ऑफ किया ट्रेडिंग टू परचेस, फिर उसमें से 1-4 हज़ार के गुड्स की ट्रेडिंग नहीं हो पाई तो तूने उसको यहाँ से निकाल दिया, एंट्री हुई शॉर्टेज टू ट्रेडिंग, और फिर तूने शॉर्टेज को पी एंड एल में डाल दिया तो तूने एंट्री की पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू शॉर्टेज। अब जब तू उसको पी एंड एल में दिखाएगा तो तू दिखाएगा शॉर्टेज और ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, पर बेटा मैं आपको यही बोलूँगा कि जर्नल एंट्री पर ध्यान दो, क्योंकि अकाउंट्स है बेटा। तो मैं कई बार किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए जर्नल एंट्री की हेल्प लूँगा, ऐसा इसलिए क्योंकि अकाउंट्स का बच्चा जर्नल एंट्री से ही सबसे बेसिक उसके स्ट्रांग होंगे, तो आपको समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम May 24 उसका रजिस्ट्रेशन मतलब ऑन हो चुका है, वो कर सकते हो, पर एग्ज़ाम फॉर्म अभी नहीं आया। रजिस्ट्रेशन ऑन है, एग्ज़ाम फॉर्म तो जनवरी में आएगा, अभी सिर्फ अपने आप को ICI के पास रजिस्टर करो, एडमिशन के फॉर्म आ चुके हैं तो वो करना पड़ेगा। आ जाएगा शॉर्टेज है, हाँ आई थिंक वो सही बोल रहे हैं। रियलाइज प्रॉफिट रियलाइज गेन इंटरचेंजेबल वर्ड है, टेक्निकली जो नाम होता है वो रियलाइज गेन होता है, पर हम उसको कभी कभार इंटरचेंजेबल रियलाइज प्रॉफिट बोल देते हैं, इंटरचेंजेबल वर्ड है। अच्छा हाँ रुक जा, अच्छा बात हो गई पापा से, हाँ समझा मैं, कुशल ना, हाँ हाँ ठीक। फिर से सर्टेनली मैंने बोला ही नहीं, मैंने ऑप्शनली बोला, एक बोला ऑप्शनली एक बोला कंपलसरी। मैंने बोला कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं उधार पे 5 साल के लिए, और मैंने आपको बोला कि 5 साल बाद मैं आपको कैश भी वापस कर सकता हूँ, या कैश ना देके मैं अपने शेयर दे दूंगा आपको, ये आपके ऊपर है, आप सोच के बता देना। तो इट इज़ कॉल्ड ऑप्शनली, ऑप्शन किसके पास है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑप्शनली। दूसरा, मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए, 5 साल बाद मैं आपको वापस करूँगा, पर मैंने अभी बोल दिया कि मैं आपको कैश नहीं दूंगा, मैं आपको शेयर वापस करूंगा, शेयर के रूप में दूंगा, मैंडेटरी। हाँ होता है रियल लाइफ में होता है। अगर सर प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर रहे हैं तो वो तो फिर शेयर कैपिटल के अंदर शो कर देंगे डायरेक्ट इक्विटी के अंदर। तो वो प्रॉब्लम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिडीमेबल मतलब रीपे इन कैश, तो वो लायबिलिटी है, शो करने के लिए कैपिटल में दिखाएंगे पर उसका नेचर लायबिलिटी है, नेचर पर बस प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि वो रिडीमेबल होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उसका, रिडीमेबल इररिडीमेबल कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल कुछ तो होना चाहिए ना। तो इफ ओनली रिटर्न द वर्ड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इट इज रिडीमेबल। हाँ
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अप्रोप्रिएट हो गया, आता ही नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो चार्ज है। हाँ, और अगर वो चार्ज है तो वो तेरे ट्रेडिंग ऑब्लिक पीएनएल, यहाँ तेरा जीपी आया, तेरा यहाँ बाय जीपी हुआ, और क्योंकि वो चार्ज है तो तेरा यहाँ पर आएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और फिर तेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा, और तेरा नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएट होके बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। तो प्रोविजन इज अ चार्ज, इट इज नॉट अप्रोप्रिएशन। वो लॉस वाली, असेट वाली, वो मैंने वो बनवाया था, लॉसेस विच आर क्रिएटेड अगेंस्ट असेट, तूने असेट के पैसे पहले ही दे दिए थे, अब बस उसकी डेप्रिसिएशन लगा रहा है, मतलब पैसे तेरे ऑलरेडी जा चुके हैं, बस तू उसको डेप्रिसिएशन लगा रहा है, मतलब तू लॉस बुक करता जा रहा है, एक्सपेंस बोल लॉस बोल उसको बुक करता है, तो पैसे तो जा चुके हैं ना उसके। हाँ, डायरेक्ट एंट्री करना है, फाउंडेशन के थ्रू नहीं करना है। हाँ, फिर आप सिंगल ग्रुप करोगे कि बहुत ग्रुप करोगे? सिम्बी की बात कर रहा हूँ ना, एस वाई मतलब कॉलेज एस वाई, सिम्बी सिम्बायसिस क्या? सेकेंड ईयर, ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री थर्ड ईयर के बाद ही होता है। हाँ, तो मैं अभी से क्लासेस लूँ के बाद में, मतलब यू वांट अ टाइम, इफ यू आर वांटिंग की रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट एंट्री से करना है तो आपको टाइम चाहिए, मतलब आप मई 24 में नहीं देना चाहते? नहीं, एलिजिबल ही नहीं है ना। अरे फाउंडेशन तो कर हो चुका है ना, डायरेक्ट एंट्री तो डायरेक्ट एंट्री देना है, और अभी आप सेकेंड ईयर में हो। हाँ, तो ओके, मैं सब समझ गया आपकी बात कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा अभी थर्ड ईयर भी आएगा और थर्ड ईयर के बाद जाके मैं एलिजिबल हो जाऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए, तो टेक्निकली आपका अटेम्प्ट मई 24 नहीं आएगा, आपका अटेम्प्ट तो बाद का आएगा, मे बी शायद मई 25 आएगा। तो सर मैं अभी से ही क्लासेस लूँ कि नहीं लूँ? सिंपल, मतलब अभी टाइम है पढ़ने का तो ले लो, सारी मत लो, सारी लोगी तो कुचड़ पुचड़ हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, सिर्फ एक ग्रुप करो। हाँ, तो डीटी मत करो, जीएसटी मत करो, छह सब्जेक्ट्स के अंदर द नॉन चेंजिंग सब्जेक्ट्स आर फाइव एक्सेप्ट टैक्स। यू कैन डू एडवांस, यू कैन डू कॉस्टिंग, यू कैन डू लॉ ऑल्सो, लॉ विल बी चेंज ओनली अ 5-8%। यू कैन डू एफएम, यू कैन डू एसएम, यू कैन डू ऑडिट, ठीक है। So it's now up to you. Just join or join only two subjects in a day or three subjects in a day. Law, costing and advance accounts. और अगर वो तीन भी भारी लग रहे हैं तो इन तीन में से कोई भी दो। तो आप दिन में जाओ ना बेटा, ब्रेक में जाओ ना, कल रजिस्ट्रेशन सुबह सुबह आके करवाओ और बुक ले लो। मैं कल थोड़ा क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी। एक सेकेंड, यस, अगर ऑनलाइन वालों के कोई डाउट है, डेप्रिसिएशन ऑन असेट, हेलो, डेप्रिसिएशन ऑन असेट एक्सपेंस है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, उसको तुम डेप्रिसिएशन बोलो प्रोविजन बोलो, इट इज सिंपली द एक्सपेंस, अलग अलग नाम है बेटा बस।
सर 4000 का शॉर्टेज ट्रेडिंग में ना दिखाते हुए डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर से 15 का प्रॉफिट निकालें तो वो ट्रीटमेंट हाँ गलत होगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में तो अल्टीमेटली दोनों साइड बैलेंसिंग करना पड़ेगा, डेबिट बराबर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप फिर ट्रेडिंग में कैसे आप 15000 का प्रॉफिट दिखा पाओगे, गलत हो जाएगा आपका, गलत है वो यामिनी। सर रिवैल्यूएशन का कब किया जाता है, ब्रीफ में बता दीजिए। नहीं बता पाऊंगा ब्रीफ में, क्योंकि वो AS10 है और AS10 बहुत डिटेल में, तो मैं अभी आपको ब्रीफ में क्या ही बताऊं। बस इतना समझ लो कि अगर कंपनी की इच्छा है कि वो अपनी असेट को रिवैल्यू करना चाहती है तो अलाउ है, वो कर सकती है। सर कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की मैच्योर पीरियड आने तक क्या हम उसे एज इक्विटी ही ट्रीट करेंगे? बाय नेचर वो इक्विटी है, बाय नेचर वो इक्विटी है, तो हम उसको इक्विटी ट्रीट करेंगे। पर उसके अंदर मुझे मान लो इंटरेस्ट हर साल कैश में पे करना है, तो वो इंटरेस्ट वाले के लिए लायबिलिटी रहेगी। मतलब टेक्निकली वो एक हाइब्रिड भी बोल सकते हो कि कुछ प्रिंसिपल पोर्शन उसका इक्विटी है और उसका इंटरेस्ट पोर्शन जो है वो लायबिलिटी है। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें CA फाइनल में समझाया जाएगा, अभी नहीं समझाया जाएगा। बस इतना बस नेचर से समझो, अगर कंपलसरी है तो मतलब वो इक्विटी है। सर YouTube पे क्लासेस कब तक चलेंगी? ऑन एन एवरेज 8 से 10 लेक्चर्स। सर फेस टू फेस या ऑनलाइन लाइव क्लासेस विच इज गुड? मुझे नहीं पता। बिल्डिंग वाले एग्जांपल में 10 डेप्रिसिएशन 10 इयर्स का एक ही मेथड से करेंगे या मेथड? अरे यार तुम, वो एग्जांपल था, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ भी हो सकता है, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाटएवर। सर मस्त पढ़ाया, हाँ थैंक यू। सर प्लीज कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल का मतलब समझाओ, कल पूछ लेना। रिजर्व कैपिटल एक तरीके से आपका अनकॉल्ड कैपिटल है, अनकॉल्ड कैपिटल जो पैसा अभी हमने शेयर होल्डर से नहीं बुलाया, ये हो गया रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या है? कैपिटल रिजर्व आपको AS 14 में पढ़ने को मिलेगा, उसके बाद आपको AS 12 में पढ़ने को मिलेगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बस आप यूं समझो कि कोई ना कोई कैपिटल नेचर का फायदा हुआ है, कैपिटल नेचर का फायदा हुआ, रेवेन्यू नेचर नहीं, कैपिटल नेचर का फायदा हुआ। जैसे मैंने किसी बिजनेस को खरीदा, तो जब मैंने बिजनेस खरीदा तो मुझे उससे कुछ फायदा मिला, क्योंकि मैंने उनको पे कम किया और मुझे मिला ज्यादा, तो वो कैपिटल नेचर का फायदा, मतलब कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल मैंने अपने शेयर होल्डर से अनकॉल्ड कैपिटल रखे रखा है अभी। सर पहले स्टार्ट होगा कि पहले AS स्टार्ट होगा कि अदर चैप्टर? अदर चैप्टर पहले स्टार्ट होगा, क्योंकि अदर चैप्टर में कुछ बेसिक्स से आपके AS में जब जाएंगे तो AS में फिर कॉन्फिडेंस आएगा। पहले दिन से मैं AS शुरू नहीं करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो वो मुश्किल हो जाएगी। सर इक्विटी का प्रॉफिट किस बेसिस पे डिसाइड होता है? इक्विटी का प्रॉफिट किस बेसिस पे, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है कि नहीं, वो आपस में इक्विटी शेयर होल्डर्स तय करते हैं वोटिंग करके। सर रिवॉल्यूशन रिजर्व और रिवॉल्यूशन प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, रिवॉल्यूशन इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस टाइप का प्रोविजन है? असेट वाला, जो ये वाला मैंने बताया, कहां गया ये वाला, ये वाला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये वाला है। सर ये नोट्स कौन सी कॉपी में लिखते हैं? ये आपको चैप्टर्स की कॉपी में आप लिखो, चैप्टर्स वाली कॉपी में लिखो। सर कॉस्टिंग का, कॉस्टिंग की बात मेरे से मत करो, दैट्स इट। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या दो पांच मिनट वेट कर लीजिए।
यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलिए, आउट सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सी हेड पे दिखेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखेगा आपका अदर करंट लायबिलिटी। सर प्रोविजन जो बनता है वो केवल सर्टेन अमाउंट का बनता है कि एस्टिमेशन पे? केवल प्रोविजन जो बनता है वो सर्टेन अमाउंट की एस्टिमेशन, मतलब क्या पूछ रहे हो? अमाउंट सर्टेन है तो प्रोविजन क्यों बनेगा? वो लायबिलिटी हो गई, और मुझे पता नहीं कि कितना पे करना पड़ेगा, अंदाजा, तो वो एस्टिमेट। तो प्रोविजन हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे बनता है। अगर मुझे पहले दिन से ही पता है कि मुझे अब मेरे एम्प्लॉय को 10,000 की सैलरी देनी है और 10 ही देनी है, तो वो प्रोविजन नहीं है, वो नॉर्मल लायबिलिटी है। यू समझो कि प्रोविजन लायबिलिटी का छोटा बच्चा है। प्रोविजन भी खुद अपने आप में एक लायबिलिटी है, पर प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जहां पर अमाउंट सर्टेन नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड आएगा, भूल गए क्या? एनपीओ आउटस्टैंडिंग सैलरी, अच्छा तुम उसको बोल रहे हो। और बोलो, दैट्स इट आई थिंक, बस आपके डाउट यहीं पर खत्म है। और कोई डाउट आ नहीं रहे? स्टिल आई विल वेट फॉर 5 मिनट्स अगर आपके डाउट आते हैं तो। क्यों नहीं हुआ? वही तो मैं वही कर रहा हूं पहले अपलोड। सर जूम सेशन होगा इस संडे को? कोशिश होगी जूम सेशन संडे को। संडे को मेरा लास्ट लेक्चर है एग्जिस्टिंग नवंबर 23 वालों के साथ, फेस टू फेस 8-10 घंटे का। तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपके साथ जूम सेशन करूंगा, नहीं तो मंडे के बाद तो पक्का करूंगा। आप जूम सेशन का डरो मत, टेंशन मत लो, जूम सेशन मुझे करना ही है। पर अभी मेरे सर पे 4-4 क्लासेस की लायबिलिटी है, तो मेरा वो 20 तारीख तक थोड़ा सा लायबिलिटी चलेगी, उसके बाद चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। तो मैं बहुत ही जल्द फिर जूम सेशन आपके साथ करूंगा, पर आई विल ट्राई कि मैं जूम सेशन आपके साथ कर ही लूं। सैटरडे कल है तो मैं, हो सकता है शायद कल भी कर लूं। रोहित मुझे आपका डाउट नहीं समझा, हाउ टू इनरोल फॉर जूम सेशन। कुल मिला के जो भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टेलीग्राम का, हमारे इस बैच का टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपके वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन के अंदर जाओगे तो स्टडी ग्रुप करके दिखेगा, क्लिक करोगे तो टेलीग्राम की लिंक आएगी, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और ग्रुप के अंदर ही मैं जूम सेशन की लिंक दूंगा, जूम सेशन की लिंक दूंगा तो उससे आप ज्वाइन हो जाओगे। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। और कैसा लगा आज का लेक्चर मुझे जल्दी कमेंट में बता के जाइएगा, क्योंकि मैं लेक्चर अभी इसको ओवर कर रहा हूँ। तो हाउ वाज द लेक्चर वो मुझे बता दीजिएगा। रेसिडुअल इंटरेस्ट बताना सर, रेसिडुअल इंटरेस्ट मतलब बची हुई वैल्यू जो बच गया अंत में, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। एंड में 100 रुपये बच गए, ये 100 रुपये में मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब मेरा उसमें अधिकार है। ट्रेड पेबल में हरदम स्टॉक इन ट्रेड ही आएगा? ट्रेड पेबल के अंदर स्टॉक इन ट्रेड नहीं बोला मैंने, मैंने बोला ट्रेड पेबल के अंदर वो वाले क्रेडिटर आएंगे जिनसे हमने अपनी रेगुलर एक्टिविटी में गुड्स परचेज किए हैं, तो उनको अगर मुझे कुछ पेमेंट करना है तो वो ट्रेड पेबल में आएगा। मतलब अगर मेरी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए सप्लायर हैं तो मैं उनको ट्रेड पेबल में दिखाऊंगा, अगर वो मेरी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े हुए सप्लायर नहीं है तो मैं उसको ट्रेड पेबल में ना दिखा के मैं उसको अदर में दिखाऊंगा। रोहित सर भोपाल अब नहीं आते क्या? आप सिर्फ पुणे में रहते हो? नहीं, भोपाल में आऊंगा अभी 29 तारीख को, राखी में आई विल बी एट भोपाल ओनली। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। अब आप बाकी की फालतू चीजें पूछ रहे हो, और अगर जो भी हो मैं लेक्चर यहां पर ओवर कर रहा हूं। प्लीज 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 कमेंट में जाके, प्लीज कमेंट्स में जाके अपना कमेंट जरूर बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। सर बुक्स भोले से डिस्पैच हो रही क्या? सर बुक्स भोपाल से डिस्पैच हो रही क्या? आई डोंट नो, मैं वो सब नहीं बता सकता। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।